लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लक्ष्मी विद्यालय मेरी खोई हुई बेटी लक्ष्मी की यादगार। ये स्कूल मुझे इतना ही अजीज है जितना कि एक माँ बाप को अपनी औलाद होती है। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि आज स्कूल की 16वीं सालगिरह पर मैं इसे प्राइमरी से मिडिल स्कूल बना रहा हूं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके इंतजाम के लिए मैंने एक बीए पास पति पत्नी के लिए अखबारों में इश्तिहार भी दे दिया। मुझे आशा है कि मेरी कोशिश सफल। माँ, क्या लक्ष्मी भी मेरे ही तरह शरीर थी? नहीं थी, उसका सुबह तो बड़ा ही शीतल था। लक्ष्मी की माँ, राजू कहाँ है? अजीब लापरवाह लड़का है, आज स्कूल की सालगिरह पर भी नहीं आया। पिताजी, वो तो किसी मंदिर में, किसी तालाब पर या किसी धर्मशाला में दूरबीन लगाकर लक्ष्मी बहन की खोज कर रहा होगा। राइट, एब्सोल्युटली राइट। चाचा जी का चहेता भतीजा, हिंदुस्तान का नंबर वन जासूस राजू, लक्ष्मी की तलाश के सिवा और कहाँ जा सकता। लेकिन ये हुलिया क्या बना रखा? माफ करना चाचा जी, वो जासूसी के चक्कर में मैं इन लोगों को। ये लोग कौन है? चाचा जी, ये हजरत बोलते हैं कि ये हमारी लक्ष्मी है। नहीं नहीं, ये हमारी लक्ष्मी नहीं हो सकती। अच्छा तो चाची, ग्रेस लॉकेट को तो देखिए, क्या ये हमारी लक्ष्मी का लॉकेट है? नहीं, ये हमारी लक्ष्मी का लॉकेट नहीं है। मुझे तो पहले ही शक था। अच्छा तो जरा इसके पाँव का तिल भी देख लीजिए। हाँ हाँ, देख लीजिए, दिखा दो बेटी। लक्ष्मी के दाएं पाँव पर तिल था, बाएं पर नहीं। सरकार, जब ये छोटी थी तो तिल इसके दाएं पाँव पर ही था, उम्र के साथ साथ तिल भी बढ़ते बढ़ते बाएं पाँव पर आ गया। हाँ बेटा, दिल न हुआ फ्रंटियर मेल हो गई। राजू, ये बुरुपिये कहां से पकड़ लाए? निकाल दो इन्हें। बड़ा आया जासूस नंबर वन।
अबे ओ मुर्गा मसल्लम, देख क्या रहा है, दफा हो जाए यहाँ से, वरना अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। गेट आउट, चले जा। चंद्रगुप्त जी, तुम परले दर्जे के अहमक हो। मैंने कहता था ये लड़की नकली है, आज तुम्हारी वजह से हिंदुस्तान के जासूस नंबर वन की इज्जत मिट्टी में मिल गई। चाची चाची, आज तुम मुझे लक्ष्मी का सही सही हुलिया बता दो, मैं एक बार फिर अखबारों में इश्तहार दे दूंगा। भगवान ने चाहा तो नए मास्टर मास्टरानी के साथ साथ हमारी लक्ष्मी भी हमें मिल जाएगी। चंद्रगुप्त बेवकूफ, आले जा, साफ साफ लिखो। हाँ चाची, लक्ष्मी बिल्कुल लक्ष्मी की तस्वीर थी, जैसा नाम वैसे ही सूरत। जब वो गुम हुई तो उसके गले में पान की शक्ल का एक सुनहरी लॉकेट और उसके दाएं पांव पर जन्म से ही पाई के बराबर एक तिल था। मिस मेरी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरी अचानक ऐसे तब्दीली हो गई है। ये रही तुम्हारी तनख्वाह, तुम कल यहाँ से जा रहे हैं। कल जा रहे हैं? हाँ, सरकारी मुलाजमत जो ठहरी। मुझे उम्मीद है तुम्हारे पास दूसरा काम भी होगा। जी नहीं, बस यही एक काम था। ओ, ये बात है। क्या तुम दफ्तर का काम करना पसंद करोगे? जी हाँ। मेरे एक दोस्त ने मुझसे सरसरी जिक्र किया था कि उसके दफ्तर में कुछ क्लर्कों की जरूरत है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ। जरूर कीजिए सर, बड़ी मेहरबानी। मेहरबानी कैसी?
ये रहा सिपाही खत। मुझे उम्मीद है तुम्हें काम मिल जाएगा। थैंक यू सर। देखिए किरण का गला बड़ा सुरीला है, उसकी तालीम जारी रखिएगा। जरूर जरूर। गुड बाय सर। गुड बाय। गुड मॉर्निंग। मोहन मोहन। अरुण। माफ कीजिए, क्या मोहन घर में नहीं है? घर ही में है, सफर की तैयारी कर रहा है। बात यह है मिस्टर अरुण कि मेरी अचानक यहाँ से तब्दीली हो गई है, हम कल यहाँ से जा रहे हैं। कल जा रहे हैं? कोई बात नहीं, आना जाना तो लगा ही रहता है। आप जैसे सरकारी मुलाजमों की तब्दीली होती रहती है और मेरे जैसे प्राइवेट मुलाजिम नौकरी की तलाश करते रहते हैं। अगर आप मुनासिब समझे तो अपने किसी दोस्त के नाम मुझे सिफारशी खत देते जाइए, बड़ी मेहरबानी होगी। खत तो मैंने लिख ही रखा है, ये लो खत और अपनी बकाया फीस। विश यू गुड लक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बड़ी जल्दी चले आए। खुद नहीं आया, उन्होंने भेज दिया है। लेकिन आप भी तो उसी कश्ती पर सवार हैं जिस पर मैं हूँ। जी। आपको कोई सिफारशी खत वगैरह तो दिया होगा? जी नहीं, मैंने सिफारिश के लिए कहा ही नहीं। बहुत अच्छा किया, जवान की लाज रह गई। मैंने तो मुंह फाड़ कर कहा भी था, लेकिन कौन सुनता है गरीबों की, साफ इनकार कर दिया। चलो जिसने पेट दिया है वो दाने भी देगा। इस वक्त कहाँ जा रही है आप? घर, मैं बांद्रा रहती हूँ। बांद्रा में? तो फिर इस स्टॉप पर क्यों है? आपका बस स्टॉप तो उधर है, ये स्टॉप तो फोर्ट जाने के लिए। जानती हूँ, लेकिन मुझे घर जाने से पहले अस्पताल जाना है, मेरी एक सहेली बीमार है। आप कहाँ जा रहे हैं? सांता क्रूज। सांता क्रूज? तो फिर आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आपका बस स्टॉप भी तो वहाँ है। जी लेकिन मुझे फोर्ट से एक दवा खरीदना है, मेरी नानी सख्त बीमार है। बस एक सीट है। देखिए मेरी सहेली बहुत बीमार है, प्लीज। एक्सक्यूज मी, मेरी नानी आखिरी दमा पर है। जरा सोचिए, दुनिया में सहेलियां तो हजारों मिल जाती है, लेकिन नानी तो बार बार नहीं मिलती। आप आराम से फैसला कीजिए। राइट। देखिए मेरी सहेली। मेरी नानी, एक्सक्यूज मी, माफ करना मेरी नानी। देखिए कारोबार फैलाने में 6 महीने तो लग ही जाएंगे। आप ऐसा कीजिए, 1 साल के बाद एक चक्कर और लगाइए, फिर देखेंगे। सुनिए, अगले बरस जरूर तशरीफ लाइएगा। जिंदगी रही तो जरूर आऊंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तशरीफ रखिए। क्या पीजिएगा, चाय या कॉफी? नो थैंक्स। बॉय, एक गिलास ठंडा पानी। देखिए जब मैं किसी बेकार को देखता हूँ मेरा कलेजा हिल जाता है। क्यों, ठीक कही ना? जी ठीक कहते हैं आप। कुछ लोगों के ख्याल में गवर्नमेंट नए स्कूल और नए कॉलेज खोलकर बेकारों की तादाद बढ़ा रही है। क्या आपका यही ख्याल है? जी यही तो गलती है आपकी। अगर रस्सी छूटी है तो इसका ये मतलब नहीं कि कुआं बंद कर दिया जाए। हर जवान लड़के और लड़की को पहले तालीम हासिल करनी चाहिए और बाद में सोचना चाहिए कि बेकारी के भूत को किस तरह भगाया जा सकता है। मैंने बड़ी मेहनत के बाद इस भयानक सवाल का एक हल सोचा है, क्या आप सुनेंगी? फरमाइए। थोड़ा ठंडा पानी। नो थैंक्स। पीजिए ना। जी नहीं। अच्छा तो सुनिए, जिन नौजवान लड़कों या लड़कियों के माँ बाप जायदाद के मालिक हों उन्हें नौकरी के मुकाबले में नहीं आना चाहिए। ऐसा करने से मुल्क की चौथाई बेकारी दूर हो जाएगी। क्यों, ठीक कही ना? जी हाँ। इसी तरह अगर कोई नौजवान लड़का काम पर लगा हुआ हो तो उसे बेकार लड़की से शादी कर लेनी चाहिए और काम पर लगी हुई लड़की को बेकार लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से मुल्क की चौथाई बेकारी और दूर हो जाएगी। चौथाई वो और चौथाई ये, मतलब ये कि कुल मिलाकर के आधी बेकारी दूर हो गई। क्यों, ठीक कही ना? जी जी।
बाकी रहे गरीब लोग, उन गरीब लोगों को नौकरी तलाश करने की बजाय अमीर लड़कियों की तलाश करनी चाहिए। अगर हर गरीब लड़का हर अमीर लड़की से शादी करे तो समझ लीजिए मुल्क की 3/4 बेकारी दूर हो गई। अब रहे 1/4 बेकार, उनको तो कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। क्यों, ठीक कही ना? जी बहुत अच्छी कही। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। ख्याल बड़ा बारीक था लेकिन आपकी समझ में आ गया। अब आप ऐसा कीजिए, जाते ही किसी अमीर या किसी बारोजगार आदमी से शादी कर लीजिए। ठंडा पानी? नो थैंक्स। सुनिए, मशवरा बड़ा कीमती है, फायदा उठाइएगा। आपकी शादी हो गई है? जी, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। तो फिर मुझसे? जी आपसे। माय गॉड, मॉर्निंग मिस मैरी गुड। गुड मॉर्निंग मामी, गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग मैरी, माय लवी, माय डार्लिंग। जॉन, मेरी ट्यूशन पर गई है, आती ही होगी। प्लीज सिट डाउन, जरा जॉन के लिए चाय तो ले आओ। फादर, चाय की कोई चाह नहीं है। थैंक यू वेरी मच। फादर, मुझे आपसे कुछ कहना है, बहुत नाजुक बात है, वेरी डेलिकेट मैटर, और खुद कहते हुए मुझे शर्म आती है। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ जॉन, तुमसे कर्ज लिए 6 महीने हो गए। नो 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 फादर, वो बात नहीं, नॉट दैट मैटर। सच्चाई को क्या छिपाना जॉन, मेरी नौकरी तलाश कर रही है, नौकरी मिलती तुम्हारी सारी रकम चुका दूंगा। मैं यहाँ कर्जे का तकाजा करने नहीं आता हूँ, मेरे आने का मकसद तो कुछ और ही है। फादर, मुझे मेरी से प्यार हो गया है, आई एम इन लव विद हर, टेरिबली इन लव विद हर। फादर, वैसे तो हर रोज दूर दूर से मेरी शादी के लिए पैगाम आते हैं, पैदल पैगाम, डाक से पैगाम, तार से पैगाम, हवाई जहाज से पैगाम। फादर, आप एक बार मेरी से मेरा जिक्र क्यों नहीं करते? जॉन, मेरी अपना बुरा भला खुद समझ सकती है, तुम उससे बात कर देखो, अगर वो रजामंद हो जाए तो हमें कोई एतराज ना होगा। बेशक, बेशक। चाय पियो। पापा, मेरी, माय लवी डवी, मेरी लवी डवी, मेरी इंसल्ट, बेइज्जती, तोहीन, देखा फादर आपने? देख लिया मिस्टर जॉन, लेकिन तुम भी तो जल्दबाजी से काम लेते हो। जल्दबाजी? फादर, 6 महीने से सब्र के घूंट पी रहा हूँ। 6 months, फादर, 6 months। अब एक दिन भी नहीं ठहर सकता। एक दिन क्या, एक पल नहीं ठहर सकता। फादर, या तो मेरी का हाथ मेरे दाएं हाथ में दे दीजिए, वरना मेरा 400 रुपए मेरे बाएं हाथ से रख दीजिए। Here is right, here is left. Choose, choose, choose. सबसे काम लो जॉन, मैं मेरी को उसकी मर्जी के बगैर शादी के लिए कैसे मजबूर कर सकता। बाकी रहा तुम्हारा कर्जा, तो आज भी देना है और कल भी देना है। नो नो नो, इफ नो मेरी नो देरी, मैं कल ही कोर्ट में केस कर दूंगा और डिग्री लेकर इस मकान का एक एक बर्तन नीलाम करवा दूंगा। 1, 2, 3, एवरीथिंग ऑप्शन। पापा, ये क्या रोज रोज का तमाशा है, ये लॉकेट बेच के इसका कर्जा क्यों नहीं चुका देते? मुझे माफ कर दो मेरी, आई एम ए फूल, आई एम ए डैम फूल। ओ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मेरी जुबान पर शैतान सवार था। मुझे रुपया नहीं चाहिए, आई हेट मनी, मुझे रुपया से नफरत है। आई लव यू मेरी, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें और रुपया दे सकता हूँ। मुझे ना तुम्हारे रुपए की जरूरत है ना तुम्हारी, रहा तुम्हारा कर्जा जब वो मुंह पर दे मारेंगे। ऑल राइट, गर्मी ना खाओ मेरी, डोंट बी हॉट, मैं कल फिर आऊंगा। ओके, गुड बाय फादर, गुड बाय डॉटर, नो डॉटर, नो टाटा। पापा, कब तक ये आवारा हमें इस तरह परेशान करता रहेगा? क्यों ना ये लॉकेट बेच के इससे पीछा छुड़ा लिया जाए? ना बेटी, ये बेचने की चीज नहीं। मेरी बच्ची, तुम इसकी कीमत नहीं जानती, यही लॉकेट तो हमारे घर में रोशनी लाया था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, एक ईसाई के लॉकेट में किसी हिंदू देवी देवता की तस्वीर क्यों? बेटी, सब धर्म एक ही होते हैं, हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए। पहले मैं भी तुम्हारा हम ख्याल था, लेकिन जब से इस घर में तुम्हारे कदम पड़े हैं, मुझे हर धर्म से प्यार हो गया। जिस तरह हर नदी की मंजिल सागर होती है,
उसी तरह हर धर्म इंसान को एक ही मंजिल पर ले जाता है, चाहे कोई उसका नाम अल्लाह, कोई गॉड या भगवान रख ले। पहले पैसा फिर भगवान, बाबू देते जाना दान देते जाना, अठन्ने या चवन्ने बाबू आना दो आना। पहले पैसा फिर भगवान, बाबू देते जाना दान देते जाना, अठन्ने या चवन्ने बाबू आना दो आना। टिकट स्वर्ग की बेच रहा ये अंधी आंखों वाला, टिकट स्वर्ग की बेच रहा ये अंधी आंखों वाला, अरे थोड़ी सी है सीटें बाकी जल्दी करना लाला। अरे तू दो दिन का मेहमान, अपनी मंजिल को पहचान, देते जाना अठन्ने या चवन्ने बाबू आना दो आना। पहले पैसा फिर भगवान, बाबू देते जाना दान देते जाना, अठन्ने या चवन्ने बाबू आना दो आना। जन्म जन्म का पाप दान के साबुन से धुल जाए, जन्म जन्म का पाप दान के दान के दान के साबुन से धुल जाए, यहाँ जो देवे एक लंगोटी वहाँ पे बिस्तर पाए। अरे क्या सोच रहा नादान, ये सौदा कितना है आसान, देते जाना अठन्ने या चवन्ने बाबू आना दो आना। तो पहले पैसा फिर भगवान, बाबू देते जाना दान देते जाना, अठन्ने या चवन्ने बाबू आना दो आना। बाहर मेरे भोले मालिक न्यारी तेरी लीला, बाहर मेरे भोले मालिक न्यारी तेरी लीला, अरे तू भी दर्शन उसी को देवे करे दुखी सा ढीला। अरे मैं मालिक का दरबान, कर लो मुक्ति का सामान, देते जाना अठन्ने या चवन्ने बाबू आना दो आना। तो पहले पैसा फिर भगवान, बाबू देते जाना दान देते जाना, अठन्ने या चवन्ने बाबू आना दो आना। अंधे गरीब पर दया करो बाबू, आंखें बड़ी नियामत है। तेरे की खोटा पैसा, ये दुनिया दूसरी बड़ी चालाक है, अंधों से भी हाथ कर जाती है। भगवान के लिए आना दो आना बाबू, अंधा अंधा। क्यों भाई, जन्म से अंधे हो क्या? नहीं बाबू, ताजा ताजा हुआ हूँ। ये लो। ओ बाबू, पैसा कहाँ है? अरे मैंने तो डाल दिया है। जेब में डाल दिया है या यहाँ डाल दिया है? बाबू अंधे से धोखा मत करो, नरक की हवा बड़ी गर्म होती है। तो फिर तुम उस गर्मी से क्यों नहीं डरते? जरा दिखाओ अपनी आंखें, देखूं तो सही तुम रात के अंधे हो या दिन के अंधे। बाबू मैं तो दोपहर का अंधा हूँ। Thank you.
लोग बैंड बजाकर खूब ढोंग रचाते हैं। लेकिन तुम्हारा ढोंग भी कुछ इनसे कम नहीं है। मेरा इनका क्या मुकाबला बाबू। दरअसल दुनिया बहुत बदल गई है, अब तो भिखारियों के पेशे की कोई इज्जत ही नहीं रही। एक वो जमाना था बाबू के लोग भिखारी को घर बुलाकर इज्जत से भिक्षा देते थे और अपना जन्म सफल करते थे, और अब ये जमाना है कि बेचारे भिखारी हाथ में चिराग लेकर गली गली दानी ढूंढते फिरते हैं। हाँ बंदा परवर, सच कहते हैं आप, जमाना वाकई बदल चुका है। लेकिन फिर भी तुम लोग मेरे जैसे बीए पास आदमियों से अच्छे हो। हम लोग ना तो तुम्हारी तरह भीख मांग सकते हैं, ना बैंड बजा बजा कर चंदा वसूल कर सकते हैं। ओ, वांटेड कॉलम। हाँ दोस्त, कॉलेज के जमाने में मैं भी स्पोर्ट्स कॉलम ही पढ़ता था, लेकिन बीए पास करने के बाद तो वांटेड कॉलम के सिवा कहीं नजर ही नहीं जाती। बाबू तुम कोई काम धंधा नहीं करते? क्यों नहीं, रोड इंस्पेक्टर हूँ। ओ पूरे बेकार को। अरे भैया बहुत खाक छानी, लेकिन आजकल नौकरी ढूंढने से तो पत्थर से दूध निकालना आसान है। सच कहते हो बाबू, तुम लोग सिर्फ पढ़ना लिखना ही जानते हो। दरअसल आजकल पढ़ाई के साथ साथ आदमी को थोड़ा बहुत गुरु घंटाल भी होना चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं। ये बताओ तुम रोज का कितना कमा लेते हो? अरे बाबू आजकल मार्केट बड़ी डल है, अमीर लोग जेब में हाथ डालते हुए डरते हैं, फिर भी खाना पीना और सिनेमा होकर को 2-4 रुपए रोज बच जाते हैं। बाबू तुम एक काम क्यों नहीं करते? कौन सा काम? तुम ऐसे करो कि एक खूबसूरत टीन का डिब्बा बनवा लो और उसके ऊपर सौराख कर लो, फिर किसी छापे खाने से कागज छपवा कर उसके ऊपर लगा दो। लेकिन कागज पर क्या लिखा हो? ये भी बताता हूँ, कागज पर लिखा होना चाहिए हाँ कि फुला फुला शहर में एक 2000 साल पुराने मंदिर का पता चला है, खुदाई के लिए दान की जरूरत है। फिर क्या है बाबू, लोग यथाशक्ति तुम्हारे डिब्बे में दान डालते जाएंगे और तुम्हारी जेब गर्म होती रहेगी। ठहरो यार ठहरो, मिल गई। क्या मिल गई? नौकरी, इतनी जल्दी? हाँ देखो, लक्ष्मी मिडिल स्कूल के लिए बीए पास मास्टर और मास्टरानी की जरूरत है। सैलरी 200 and 250, गुड बट बोथ मस्ट। चली गई। कौन चली गई बाबू? नौकरी। जब आपने तुम्हारा अभी अभी आई और अभी अभी चली भी गई। फिर क्या, मियां बीवी की जरूरत है, अपने बस की बात नहीं। शायद बुजुर्गों ने इसीलिए कहा है कि किस्मत का दूसरा नाम बीवी है। अब ऐसी लड़की मुझे कहां से मिलेगी जो बीए पास भी हो और मुझसे शादी करने पर भी तैयार हो। बाबू तुम देखो ऐसे करो। ठहरो यार ठहरो। हेलो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अम्मा, अंदाओ, आना दो आना। अबे चुप रह, ये भी रोड इंस्पेक्टर है, जा जा। माफ कीजिए, मैंने पेट के खातिर झूठ बोला था, लेकिन फिर भी बात बनी नहीं। आइए तशरीफ रखिए, आइए ना बैठिए। पहले तो उस आदमी ने मुझे बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए और आखिर में ठेंगा दिखा दिया। मैं तो इतना घबराया कि घबराहट में एक गिलास पानी गले में उंडेल कर वहां से भाग निकला। वो आदमी परले दर्जे का उचक्का है, लेकिन मैंने पानी पिया नहीं, उल्टा उसे पिला कर आई। बहुत खूब किया। मेरा ख्याल है आप बीए पास तो जरूर होंगे। जी हाँ, सेंट जेवियर कॉलेज की ग्रेजुएट। कॉलेज को कौन पूछता है। देखिए ये स्टार मेरे तो किसी काम का नहीं, शायद आपके काम आ जाए। यहाँ देखिए। नॉनसेंस, ये क्या बात है, हर मास्टरानी शादीशुदा थोड़ी होती है। ठीक कहती हैं आप, और फिर मास्टर को बावले कुत्ते ने थोड़ी काटा है जो जरूर शादी करे। मुझे एक बात सूझी, बताऊं आपको? कहिए। देखिए नेक नियती से कह रहा हूँ, गलत मत समझिएगा। अगर आप पहले से किसी बीए पास आदमी से मोहब्बत करती है तो उससे शादी कर लीजिए। मेरा मतलब है आप दोनों को फौरन काम मिल जाएगा। शुक्रिया, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। My lovey dovey, please wait, Mary, wait, Mary. देखो मेरा दिल ना तोड़ो, मेरा दिल ना तोड़ो, तंग दिल ना बनो, मेरे नन्हे से दिल पर रहम करो। देखो देखो, नहीं तो मैं तुम्हारे कदमों में तड़प तड़प कर जान दे दूंगा, सुसाइड कर लूंगा। पब्लिक क्लास में इस तरह बातें करते हो, शर्म नहीं आती? लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे? यू आर राइट। चलो हम वहाँ बेंच पर बैठकर आराम से प्यार की दो दो बातें करेंगे। लंगड़े को एक आना बाबू। ओ गेट अवे,
प्लीज 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 चलो वहाँ चल के दोनों बेंच पर बैठे, मैं तुम्हें अपने सारे जैसे दिल की कहानी सुनाऊंगा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुम इसे पेश आते हो या बुलाओ पुलिस को। पुलिस को बुला लो, पुलिस को, मेरी मेरी मोहब्बत पुलिस से नहीं डरती। हाँ प्लीज कम ऑन अम्मा, प्लीज आना तो आने लगा। अबे तू फिर आ जाबका, चल यहां से तू। प्लीज कम ऑन मेरी, कम ऑन प्लीज अम्मा, प्लीज मेरी, प्लीज अम्मा, प्लीज मेरी, प्लीज अम्मा, प्लीज 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 अम्मा। दो घड़ी तो मुश्किल से मोहब्बत के लिए मिली थी तूने, वो भी छीन ली। कोई बात नहीं, आप बैठिए बैठिए। कोई बात नहीं, प्लीज सिट डाउन। मिस्टर मिस्टर एमटी अरुण बी। मिस्टर एमटी, अब आप इंसाफ से कहिए। देखिए देखिए, मुझे इस लड़की से 100% मोहब्बत है। ये लड़की भी मुझसे मोहब्बत करती थी, अभी कभी बिल्कुल झूठ। ना मुझे इससे कभी मोहब्बत थी ना कभी होगी। आप इसकी बातों पर मत जाइए, बिल्कुल पागल। आप पागल? हाँ मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मगर इससे पूछिए मुझे पागल बनाने वाला कौन है। इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। ओ लव, तूने मुझे दीवाना बना के छोड़ दिया। मिस्टर एमटी, मिस्टर एमटी, अब आप ही फैसला कीजिए। आई वॉन्ट जस्टिस, सिंपल जस्टिस। इस लड़की से कहिए या तो ये मेरा रुपया वापस कर दे या मुझसे शादी कर ले। हाँ शादी तो क्या, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती। मिस्टर, इससे कह दीजिए मुझे 2 महीने की मोहलत दे, मैं इसका रुपया इसके मुंह पे दे मारूंगी। नो नो नो, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मिस्टर एमटी, जो कर्जा 4 बरस में अदा ना हो सका वो 2 महीने में कैसे होगा। प्लीज प्लीज सर, मुझे रुपया नहीं चाहिए, मुझे इसकी मोहब्बत चाहिए, ये मुझसे शादी कर ले। बाबू आना दो आना लंगड़ा। तुम अपनी लंगड़ी टांग को लेकर फिर यहाँ पहुँचे, गेट आउट यू रास्कल। मिस्टर एमटी, इसे समझाइए ना प्लीज। आना दो आना प्लीज, प्लीज मिस्टर एमटी, प्लीज आना दो आना, प्लीज 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 प्लीज। लो अब कहीं दूसरी जगह जाकर मरो। मिस्टर एमटी, मेरा इतना सा काम कर दो। जरा सबर करो, समझ में नहीं आता क्या कहूँ। इसमें कहने की क्या बात है, कह जो दिया मैं शादी नहीं करूंगी। ओके, तो फिर मेरा रुपया मेरे हाथ पर रख दो। अभी मेरे पास रुपया नहीं है। तो फिर शादी करो। नहीं करूंगी। नहीं करोगी? नहीं करूंगी। नहीं करोगी? नहीं करूंगी। देखिए देखिए, अगर आप मंजूर करें तो मैं एक मशवरा देता हूँ। जरूर जरूर। और आप भी कहिए, क्या आप वादा करती है कि 2 महीने में कर्ज चुका देंगे? देखिए मिस्टर मिस्टर जॉन हेग, देखिए मिस्टर हेग, जब इतने वर्षों तक आपने इंतजार किया है तो 2 महीने की मोहलत और दे दीजिए। नो नो मिस्टर एमपी, मुझे इसका भरोसा नहीं। क्या आप गारंटी देगा? मैं कैसे गारंटी दे सकता हूँ, मैं तो सिर्फ आपका समझौता करवा रहा था। जब एक शरीफ लड़की वादा कर रही है तो 2 महीना इंतजार कर लो, और अगर 2 महीने के बाद भी इन्होंने वायदा पूरा न किया तो फिर ये भी यहाँ है और आप भी, फैसला कर लीजिएगा। ऑल राइट, यू आर ए जेंटलमैन, आई बिलीव यू, मुझे आप पर यकीन है। गुड बाय। सॉरी दादा। कर्ज है कितना? 400 रुपए। 400? लेकिन 2 महीने में 400 रुपए कहाँ से आएगा? घबराहट में मैंने वादा कर लिया, जूं तू करके इसका कर्ज तो उतारना ही पड़ेगा, वरना ये बदमाश हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिला देगा। मुझे एक रास्ता सूझा है, अगर आप उस पर अमल करें तो 2 ही महीनों में कर्ज भी उतर जाएगा और हम दोनों को नौकरी भी मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप चाहें तो नौकरी छोड़ सकते हैं। लेकिन नौकरी है कहाँ? बताता हूँ। देखिए, किसी भी नए काम में जल्दबाजी से कदम उठाना मुनासिब नहीं, क्या ख्याल है आपका? ठीक कहते हैं आप। जी तो देखिए, मेरी माली हालत इन दिनों बहुत बुरी है, अगर कहीं जल्दी नौकरी ना मिली तो फाकों तक की नौबत आ जाएगी। जहाँ तक मेरा ख्याल है आपकी हालत भी कुछ ऐसी ही है। मजाक क्यों करते हैं आप? नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा, जरूरतमंद आदमी पेट की खातिर क्या कुछ नहीं करता। अगर हम भी पेट की खातिर कुछ दिनों एक ड्रामा खेलें तो क्या हर्ज है? आप मुझे थिएटर में भर्ती करवाना चाहते हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब आप नहीं समझे, मैं कहना चाहता था आखिर ये जिंदगी भी एक थिएटर है, अगर नौकरी की खातिर हम दोनों, मेरा मतलब है हम दोनों साफ साफ क्यों नहीं कहते, छुपाने की क्या बात है? जी मैं कह ही रहा था, लेकिन देखिए आप बिना सोचे समझे इनकार मत कीजिएगा, अगर सिर्फ नौकरी की खातिर हम दोनों पति पत्नी बन जाए। क्या झूठ मूठ के शराफत तो दुनिया से उठी गई है। देखिए देखिए, आपने जल्दबाजी से काम लिया, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मामला सोच विचार का है, जरा ठंडे दिल से गौर कीजिएगा, और देखिए अगर बात समझ में आ जाए तो मैं यहीं मिलूंगा, आजकल मेरा यही पता है। गुरु इन बातों में कुछ नहीं रखा, अब भी मान जाओ।
एक डिब्बा, उसमें सुराख और एक छपा हुआ कागज। अबे छोड़िए बातें, अपना तीर निशाने पर बैठा है। वो कैसे गुरु? अरे लड़की की हाँ का मतलब ना होता है और ना का हाँ, बस अपना काम बन गया। गुरु जवाब नहीं तुम्हारा है, मैं भी समझ गया कि लड़की की हाँ का मतलब ना होता है और ना का मतलब हाँ होता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे ये क्या गुरु, अपना रंग भी हाँ और ना की तरह बदलता रहता है। मैं ना जानता था जॉन इतना जलील निकलेगा, ना मैं उससे कर्ज लेता, ना आज तुम्हें जॉन की वजह से इतनी जिल्लत उठानी पड़ती। अब पछताने से क्या होता है पापा, किसी ना किसी तरह उसका कर्जा तो अदा करना ही होगा। पापा आज मैंने अखबार में एक इश्तेहार देखा था, एक स्कूल में उस्तानी की जगह खाली है, तनख्वाह 250 रुपया महीना, लेकिन वो जगह यहाँ से 200 मील दूर है। पापा अगर आप मुनासिब समझे तो दरख्वास्त दे दो। ये कैसे हो सकता है मेरी, आज तक हमने तुम्हें कभी एक पल के लिए भी नजरों से दूर नहीं किया, इतनी दूर परदेश में कैसे भेजते? मामी ज्यादा दिनों के लिए ना सही, 2 महीने के लिए इजाजत दे दो, किसी तरह उस मनहूस का कर्ज तो उतर जाए। पापा मम्मी से कहो ना। बेटी हमने पहले कभी तुम्हारी बात टाली है, जैसे तुम्हारी मर्जी। देखा करो भगवान गरीबों का तमाशा, गरीबों का तमाशा। माई बाप देखो, आना दो आना। ये ढोंग छोड़ो, बताओ वो कहाँ है? वो आप है वो, मैडम ने मालूम कौन आ गया। अम्मा गुरु तो गए हैं टाइपराइटर के पास, आप बैठिए वहां भी बुला के लाते उनको। बैठिए बैठिए बैठिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, तशरीफ रखिए। देखिए मैं रात भर उसी बात को सोचती रही, आपका आइडिया एक लिहाज से तो अच्छा है। वो तो होना ही था, आइडिया से ही तो दुनिया का चक्कर भी चलता है। आप बाइबल तो पढ़ती होंगी, आखिर ये दुनिया भी तो गॉड का एक आइडिया है। आपने बाइबल पढ़ी है? सिर्फ बाइबल ही नहीं, पुराण कुरान वेद गीता सब कुछ पढ़ चुका हूँ। देखिए हम दोनों में कुछ इतनी जान पहचान तो है नहीं। इससे ज्यादा जानने की जरूरत भी क्या है, पहली बार जब मैंने आपको देखा था मैं समझ गया था कि आप एक शरीफ खानदानी लड़की हैं, और जहाँ तक मेरी जात का ताल्लुक है मेरा ख्याल है आप मेरे बारे में भी ऐसा ही समझती होंगी। हो सकता है, लेकिन मैंने जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं कि अब और धोखा नहीं खाना चाहती। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा, अगर आप चाहें तो मैं आपको चाल चलन का सर्टिफिकेट भी दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, फिर भी मेरा दिल नहीं मानता। ऐसे कामों में दिल से नहीं बल्कि दिमाग से मशवरा करना चाहिए। बात तो ठीक है, इसीलिए मैं दिल के खिलाफ फैसला करना चाहती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि 2 महीने के लिए मैं आपकी। कहने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया, मेरी तनख्वाह 200 होगी और आपकी 250, कमाई के लिहाज से तो पति आप होंगी और पत्नी मैं। तो दरख्वास्त तैयार कर दीजिए, मैं साइन किए देती हूँ, लेकिन मुझे कुछ और भी कहना है। मैं समझ गया, आप दिल में किसी किस्म के डर को जगह न दीजिए, अगर आप चाहें तो मैं चर्च जाकर कसम खाने को भी तैयार हूँ। आप चर्च को भी मानते हैं? चर्च ही नहीं, मैं तो मंदिर मस्जिद भगवान शैतान भूत चुड़ैल हर चीज को मानता हूँ। आप मानते होंगे, लेकिन मैं तो सिर्फ मेहरबान यीशु मसीह को मानती हूँ। बहुत अच्छा करती हैं आप, जरा दस्तखत कर दीजिए। लेकिन देखिए आज से हम दोनों सिर्फ दोस्त होंगे और कुछ नहीं। आप भरोसा रखिए, सिर्फ नौकरी कायम रखने के लिए जितना ड्रामा खेलने की जरूरत है हम वहीं तक पति पत्नी हैं, उसके आगे मैं वादा करता हूँ कि। बस बस इसके बारे में मैं और कुछ सुनना भी नहीं चाहती, मुझे शर्म आती है। तो छोड़िए आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। आपने सब कुछ पहले से ही तैयार कर रखा था। मिसेज अरुण पी। थैंक्स, अब लाइए काना। एक आना? हाँ, स्टाम का आधा खर्चा, ये तो सीधी बिजनेस की बात है, अपना अपना खर्चा अपना अपना मुनाफा। थैंक्स। अगर आप हमारे घर आए तो मैं आपको अपने पापा से मिलवाऊंगी, लेकिन आप उनसे इस बात का जिक्र मत कीजिएगा। क्या मैं इतना बेवकूफ हूँ? नगदो जी, ये लिफाफा लेटर बॉक्स में डालाओ। गुरु क्यों फजूल के झगड़ों में पड़ रहे हो, शाम को मेरे साथ चौपाटी चलो, हम तीनों मिलकर वो रंग जमाएंगे कि दुनिया देखती रह जाए। माली माली इकट्ठा हो जाए। छोड़ो। अरे अरे, बड़े मजे का आदमी है।
खूब दोस्त बनाया आपने। गुरु घूम फिर कर इसी घोंसले में लौट आना जल्दी से, इतनी देर में मैं भी एक बिजनेस ट्रिप मार कर आता हूँ। पिताजी। राजू कोई और दरखास्त आई है या नहीं? चाचा जी एक आई। पति पत्नी है? जी हाँ पति पत्नी है। ये बहुत अच्छा हुआ, जल्दी से तार दे दो कि फौरन ड्यूटी पर पहुंच जाए। लेकिन चाचा जी दोनों की उम्र कोई खास ज्यादा नहीं, मालूम होता है कोई खास तजुर्बा नहीं है। राजू तुम हर काम में अपनी जासूसी टांग मत लड़ाया करो, तजर्बा हो ना हो बीए पास तो है और फिर पति पत्नी ठहरे, और हमें क्या चाहिए? क्यों बेटी? हाँ पिताजी। जाओ जल्दी से तार दे दो, प्रेसिडेंट वेरी ग्लैड, कम सून। ठहरो, तार के साथ 100 रुपया भी रवाना कर देना, शायद उनके पास रेल का किराया ना हो, समझे? जी चाचा जी। देखिए मिस्टर अरुण बीए के नाम का कोई खत है। पता क्या है? पोस्ट मास्टर की मार्फत। हाँ, एक मनी ऑर्डर है। ओह शुक्रिया। सीताराम राधे श्याम जय सीताराम, सीताराम राधे श्याम जय सीताराम, सीताराम राधे श्याम जय सीताराम, सीताराम राधे श्याम राधे श्याम जय सीताराम, सीताराम राधे श्याम राधे श्याम जय सीताराम, सीताराम राधे श्याम राधे श्याम जय सीताराम, ओ सीताराम राधे श्याम राधे श्याम जय सीताराम, 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 ओ सीताराम राधे श्याम राधे श्याम जय सीताराम, सीताराम राधे श्याम राधे श्याम जय सीताराम, सीताराम राधे सीताराम, सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम, भगवान के नाम पर साधु को आना दो आना बाबू। अरे जा जा, भीख मांगते शर्म नहीं आती? भैंसे की तरह हट्टे कट्टे हो, मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? बाबू मैंने भिक्षा मांगी थी, शिक्षा नहीं। जेब में आना दो आना है तो दे दो, वरना रास्ता पकड़ो। अरे अरे तुम हो? हाँ गुरु मैं हूँ, अब छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। क्यों? आखिर कब तक इस तरह दुनिया को धोखा देते रहोगे? देखो मुझे नौकरी मिल गई है, तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते? हाँ गुरु मुझे क्यों कांटों में घसीट रहे हो? अरे तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? नौकरी में आखिर क्या रखा है? और भीख मांगने में बड़ी इज्जत है। इज्जत तो नहीं है लेकिन जिंदगी का मजा जरूर है। देखते नहीं मैं नित नया भेष बदल कर किस तरह दुनिया को उल्लू बनाता हूँ, आज लंगड़ा कल अंधा, हर रोज नया धंधा, कमाई की कमाई और मजे का मजा, नौकरी में ये गुलचर रहेगा है। लेकिन तुम्हारी चालबाजी कितने दिन चलेगी? किसी दिन गवर्नमेंट को पता चल गया तो जेल खाने की हवा खाते फिरोगे? कैसी बातें करते हो गुरु, गवर्नमेंट को क्या पड़ी है जो भिखारियों से दुश्मनी मोल लेती फिरे? तुम नहीं जानते नब्दो, कुछ ही दिनों में एक नया कानून बनने वाला है, जो शख्स भीख मांगता देखा जाएगा पुलिस उसे पकड़कर भिखारियों की बस्ती में ले जाएगी और वहां उससे मेहनत मजदूरी करवाएगी। सच कहते हो गुरु? हाँ हाँ मैंने कल ही तो अखबार में पढ़ा है। ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अच्छा साथ तो मैं ले चलता हूँ, लेकिन वहां जाकर कहीं हमी से 420 ना करते रहना। ऐसा कभी हो सकता है गुरु, अपने धंधे के लिए वहां बहुत बेवकूफ होंगे। अच्छा तो आज शाम को तुम मेरी को साथ लेकर स्टेशन आ जाना, ये लो। राइट राइट। Thank you.
देखिए साहब, ये सब क्या हो रहा है? क्या आप अरुण भैया नहीं हैं? आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? ओह, आप मिस्टर अरुण भैया हैं? जी हाँ। क्या आपकी पत्नी नहीं आई? जी, वो भी आई। मुझे बड़ा धोखा हुआ, आप दोनों को अलग अलग डब्बे से निकलते हुए देखकर मैंने सोचा कि ये कोई और है। नहीं नहीं, ये मेरी पत्नी ही तो है। फूलों के हार आप लोगों के लिए लाया था और पहना दिए किसी और को। खैर कोई बात नहीं, गंगू उठाओ सामान, जल्दी करो जल्दी करो, मोटर में रखो, उठाओ आओ। गंगू सब सामान आ गया? अच्छा चल चलो बैठो। पहले आप चलिए। नहीं, ये कैसे हो सकता है, जवानी का हक बुढ़ापा नहीं छीन सकता। तुम दोनों साथ साथ बैठो, चलो चलो चलो। क्या हर्ज है, बैठिए ना, आप तो मेरे पिता समान हैं। हाँ, जी हाँ, जरूर 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 आपके पिता समान हूँ। आइए आइए अरुण बाबू आइए। लक्ष्मी की माँ। नमस्ते जी। नमस्ते, मेरा नाम आर के राजू है, मैं लक्ष्मी विद्यालय का सेक्रेटरी और शौक के लिए थोड़ी बहुत जासूसी भी कर लेता हूँ। आपकी दुआ से लोग मुझे हिंदुस्तान का नंबर वन जासूस कहते हैं। बस 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 बस, बड़ा बातूनी लड़का, मेरे एक दोस्त का बेटा है, बचपन ही से हमारे यहाँ परवरिश पाई है। अच्छा राजू, तुम जाओ और इनका सारा सामान बंदे में रखवा दो। लक्ष्मी की माँ, ये है हमारे नए बीए पास मास्टर और मास्टरानी, कोई पुराने लोग नहीं है, अपने बच्चों की तरह है। ये है अपनी बिटिया की तरह और वो अपने दामाद की तरह। लक्ष्मी की माँ, मैंने ने बता दिया है कि तुम्हें स्कूल कितना प्यारा है। हाँ बेटी, ये स्कूल ही तो मेरा जीवन है, तुम दोनों इसकी अच्छी तरह देखभाल करना। देखा आपने, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी हमारी बेटी कितनी लाजवंती है। लाज ही तो लड़कियों का सबसे बड़ा जेवर है, शायद इसीलिए हमारे बेटे ने इसे जेवर नहीं बनवा दिए। राज साहब, आजकल जेवरों को कौन पूछता है, ये तो सब पुरानी बातें। जेवर नहीं तो क्या हुआ, हमारी बेटी खुद जो हीरा है। अरे ये क्या, सुहाग सिंदूर तक नहीं लगाया? सरस्वती, जरा सिंदूर ला तो। अकेले आए हो, बच्चे क्यों नहीं आए? जी अभी भगवान की कृपा है। कोई बात नहीं, साथ वाले गांव में एक स्वामी जी का मंदिर है, जो कोई भी मन्नत मानता है बस एक साल के अंदर अंदर उसके यहाँ औलाद हो जाती है। मैं भी तुम दोनों को एक दिन ले चलूंगी। अरे तुम्हारी आंखें क्यों टूटी हुई है? जी कोई बात नहीं, चलती गाड़ी में कोयला आंख में पड़ गया। कोयला वोयला कुछ नहीं, मेरे सर में बहुत सब दर्द हो रहा है, जब तक नहा नहीं लूंगी चैन नहीं आएगा। कोई बात नहीं बेटी, यही नहा लो ना। देखिए बंगले पर तो हम जा ही रहे, वही नहा लेंगे। अच्छा जरा ठहरो तो। रहने दीजिए, नहाने के बाद खुद लगा लेंगे। आओ। लक्ष्मी की माँ, कितनी अच्छी जोड़ी है। न जाने इसको देखकर मुझे लक्ष्मी का ख्याल क्यों आया। मुझे भी इसे देखकर यही ख्याल आया था, और फिर इसने मुझे पिताजी कहकर पुकारा था, और उन कह रहा था कि उसके पिता का नाम भी गोपाल है। कुछ भी हो, जोड़ी बड़ी अच्छी। प्यारे एक बात तो बताओ। पूछिए। ये तुम्हारे मास्टर पहले क्या काम करते थे? आपने मेरे मालिक का नाम तो यूं ले दिया जैसे कि वो हारमोनियम मास्टर है। अजी सरकार वो बहुत बड़े आदमी है, आधी बम्बई तो उनकी जायदाद है, रेस कोर्स, बोरी बंदर, हाई कोर्ट, हैंगिंग गार्डन, पुलिस कोर्ट और न जाने क्या क्या है उनका, क्या क्या बताऊं आपको मैं। अगर ये बात है तो फिर वो यहाँ क्यों आ गए? यही तो राज की बात है। राज? तो इसमें कोई राज है? जरा कान में बता दो प्यारे। इतना बड़ा राज यूं ही छोटे से कान में डाल दूं, ये नहीं हो सकता। और हाँ, होने को हो भी सकता है। वो कैसे? वो ऐसे है कि अगर आप पहले जरा नकदऊ निकालें। नकदऊ? वो क्या बोला? नहीं समझे? नहीं, नकद से नकदऊ। समझ गए समझ गए। ये लो। ये तो कोई बात नहीं। नकदऊ तो तुमने यहाँ भी अपना धंधा शुरू कर दिया। गुरु चोर चोरी छोड़ सकता है मगर हेरा फेरी नहीं। देखिए आप इसे पैसा वैसा हरगिज न दीजिएगा और इसकी बातों पर भी मत जाइएगा। राइट, लेकिन इसने तो आपके बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। हाँ हाँ गुरु, सब कुछ बता दिया है। हिमालय की बात शुरू की थी और राई के दाने पर छोड़ दी लाकर। बाकी हाल कल बताऊंगा बाबूजी। गुरु नहाने का पानी तैयार है। देखिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर 5 मिनट की मोहलत हो तो। देखिए पानी ठंडा हो रहा है, अगर 5 मिनट की मोहलत हो तो। माफ कीजिए मैं भी आया।
मेरा ख्याल है आपकी उम्र पूरे 20 बरस की होगी। जी। आपके माता पिता हैं? जी। आप उनकी असली बेटी हैं या किसी से उधार मांगी हुई? क्या मतलब है आपका, ये उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? श्रीमती जी जरा सब्र से, मैं तो आप ही की भलाई के लिए कह रहा था। मेरा मतलब है अगर आप कहीं हमारी खोई हुई लक्ष्मी निकल आई तो राय साहब की आधी जायदाद की मालिक आप और मेरी आधी मेहनत मुझे माफ। ये देखिए इश्तहार। ये सब क्या तमाशा है? जिस दिन ये तमाशा सच होगा उस दिन बताशा बटेगा। जवाब नहीं है आपका बाबूजी, आप अभी तक यही हैं। मैंने क्या कहा था आपसे? जा रहा हूँ प्यारे, जा रहा हूँ। चलो चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाम चंद्रगुप्त और होलिया जानी वाकर। गुरु गॉड, कितने अच्छे आदमियों से पाला पड़ा है। एक वो बुढ़ा है तो वो खपती, दूसरा उनका होने वाला दामाद आधा आदमी है आधा पैजामा। मजा इन लोगों से कैसे निभा होगा। इन मुसीबतों का तो बस एक ही इलाज है, वो लोग जो कुछ भी कहें या करें हम कुछ परवाह नहीं। खूब कही, वो लोग हमारे उल्टे सीधे रिश्ते जोड़ते रहे, मेरी मांग में सिंदूर भरे, मेरी आंखों में काजल लगाए और मैं सब कुछ चुपचाप देखती रहूं। मगर दूसरा कोई चारा भी तो नहीं, जैसे भी बन पड़े ये 2 महीने आंख मीच कर गुजार नहीं। देखो हिंदू धर्म में शादीशुदा लड़की को सिंदूर लगाना जरूरी है, और अगर तुमने ऐसा न किया तो वो लोग शक करने लगेंगे। सिंदूर लगा लिया करो, आखिर हर्जी क्या है। लेकिन कैसे लगाऊं, मुझे ये सब कुछ कहाँ आता है। कोई ऐसा मुश्किल काम तो नहीं, कोशिश कर देखो सीख जाओ। लेकिन देखो आइंदा मुझसे पूछे बगैर मेरे बारे में उन्हें कुछ मत बताना, और मैं भी तुमसे पूछे बगैर तुम्हारे बारे में उन्हें कुछ नहीं कहूंगी। अच्छा मैं वादा करता हूँ, अब तुम जाओ, सफर की थकान होगी जरा आराम कर लो। देखो एक और बात का ध्यान रखना। कौन सी बात? ये सलीब का निशान। ओह थैंक्स, गुड नाइट। गुड नाइट। Thank you.
तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्या तुम्हें कोई उठा ले जाता? अपनी अपनी हिफाजत सबको करनी पड़ती है। जी हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट। आइए बच्चों, ये आपके नए मास्टर हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठो। चलिए आपकी क्लास उस तरफ है। मास्टरानी जी आपको भी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा बच्चों, तुम अपनी हिस्ट्री की किताबें निकालो, जरा मैं देखूं तुमने क्या क्या सीखा है। मास्टर जी सीखते कैसे, यहाँ सिखाने वाला कौन था? तो गर्मियों की छुट्टियों के बाद दो महीने में किसी ने कुछ नहीं पढ़ाया। मास्टर जी पढ़ाया होता तो फिर आप यहाँ क्यों आते? काफी शरीर लड़के हो। अच्छा कोई बात नहीं, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ो। देखा चंद्रगुप्त, हमारी लक्ष्मी की फोटो हमारी मास्टरनी से कितनी मिलती जुलती है। अरे यार बिल्कुल नहीं मिलती। चंद्रगुप्त तुम्हारी आंखों को चश्मे की जरूरत है, देखो गौर से, वही आंखें, वही नाक, वही मुंह, बिल्कुल वही नक्शा है। सच, बिल्कुल सच। राइट, इस बात का फैसला हमें आज रात तक कर देना चाहिए। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, जीते रहो। ये मेरी बेटी सीता है। नमस्ते। नमस्ते। देखो बेटा, आज रात को तुम दोनों ने खाना हमारे यहाँ खाना होगा, और खाने के बाद मेरा नाच भी देखना होगा। अच्छा हम आ जाएंगे। चलो दीदी। अब मुझे इजाजत दीजिए। आप क्यों जा रहे हैं, नाच नहीं देखेंगे? नाच देखने से मुझे बदहजमी हो जाती है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, जाओ जाओ। हाँ, बेटा बैठ बैठ। अरे रे, ये क्या, वहां बैठो ना। शर्माने की क्या बात है, पान बना कर दो इसे। इनके हाथ में कांटा चुभा हुआ है, मैं खुद बना लूंगा। जागने आजा, मेरा दिल जले चुप कैसे।
गाने सिखा दो। ये नाचना तो जानती है हर किस्म के गाने पर। जी बड़ी खुशी से, कल से भेज दिया कीजिए। अच्छा। अरे वाह प्यारे, तुम तो अंग्रेजी भी जानते हो। नहीं बाबू जी, तस्वीरें देखकर ही मतलब समझ रहा हूँ। जरूर जरूर, आजकल मॉडर्न पढ़ाई तो ऐसी शुरू होती है। लेकिन प्यारे, तुमने अपना नाम नहीं बताया। तुम्हारा नाम तो कुछ बड़े दबदबे वाला होना चाहिए। जी बाबूजी, बिल्कुल ऐसा ही नाम है। मेरे नाम पर ही तो दुनिया के बैंक मिले और सब कारोबार चलते हैं। मगर बाबूजी, जब मैं खुद यहाँ हाजिर हूँ तो फिर नाम की क्या जरूरत है। अरे मैं तो यूं ही पूछ रहा था। ओ प्यारे जी, तुम्हारी मालकिन बंबई की रहने वाली है, ऐसा ही समझ लीजिए। क्या वो अपने माँ बाप की असली बेटी है या गोद ली हुई? हो सकता है किसी से उधार ले रखी हो। अच्छा प्यारे, ये तो बताओ, उसके दाएं पांव पर कोई तिलविल का निशान है? अजी हाँ बाबूजी है, और वो भी तरबूज जितना बड़ा। अरे भाई, मैं तुमसे तुम्हारी मालकिन के पांव का जिक्र कर रहा हूँ, किसी हथनी के पांव का नहीं। ठीक से जवाब दो प्यारे। हाँ तो बाबूजी, तरबूज बराबर नहीं तो यूं समझ लीजिए कि चींटी के दुम बराबर होगा। बड़े पहुंचे हुए आदमी हो प्यारे, अगर मगर से ही टाले जा रहे हो। कम से कम इतना तो बता दो कि तुम्हारी माँ की शादी कब हुई थी। देखिए बाबूजी, जो सवाल आपको मेरे बाप से पूछना चाहिए वो आप मुझसे पूछ रहे हैं। अरे भाई, तुम मेरा मतलब नहीं समझे। माँ से मतलब है तुम्हारी मालकिन। ओ मालकिन। बाबूजी, इस तरह आप किसी का राज मुझसे नहीं पूछ सकते। राज? तो इसमें भी कोई राज है? क्या राज है वो? बाबूजी, मैं इतना नमक हराम नहीं हूँ कि अपने मालिक का राज मुफ्त में आपको बता दूं। अरे प्यारे, मुफ्त में कौन पूछता है। ये लो, अब कोई बात बनी ना। हाँ जी चंद्रगुप्त जी, लिखिए। हमारे साहब और हमारी बीबी दोनों एक ही कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे। साहब चोरी चोरी बीबी को ताड़ते थे और बीबी साहब को ताड़ती थी। प्रोफेसर इन दोनों को ताड़ता था और लड़के प्रोफेसर को ताड़ते थे। लड़के प्रोफेसर को, प्रोफेसर लड़के को, बीबी को साहब, साहब को बीबी, प्रोफेसर को लड़के, लड़के को प्रोफेसर। क्या हुआ? अरे भाई, ये आलतू फालतू बातें रहने दो, ये बताओ कि पहले किसने किसे देखा। बाबूजी, इस बात का फैसला तो वो दोनों खुद अभी तक नहीं कर पाए। इसी बात पर रोज मुर्गे मुर्गे की लड़ाई होती है। बीबी कहती है कि पहले तुमने, और बाबा कहते हैं कि पहले तुमने, मेरा मतलब है कि साहब कहते हैं कि पहले तुमने मुझे देखा। वो कहती है नहीं पहले तुमने, वो कहते नहीं पहले तुमने, वो कहती है पहले तुमने, वो कहती है पहले तुमने, वो कहती पहले तुमने। तुमने मगर प्यारे, पहले ये तो बता दो कि उन दोनों की शादी कब हुई थी। बाबूजी, शादी का किस्सा तो फिल्म भाई भाई जितना लंबा है, और आपने नकदव दिया है सिर्फ ट्रेलर जितना। आपने फिल्म हातमताई देखा है? हाँ हाँ। तो फिर कंजूसी मत कीजिए, जरा और नकदव निकालिए। अच्छा प्यारे, हाँ। और लो, अब आगे बोलो। हाँ जी, तो फिर वही हुआ जो होना चाहिए। ये हुआ कि जिस दिन बीबी को साहब नजर ना आए बीबी साहब के घर, और जिस दिन साहब को बीबी नजर ना आए साहब बीबी के बंगले पर, वहां से घूमते घूमते समंदर के किनारे, वहां से फिर सिनेमा, सिनेमा से बाग, बाग से घर, घर से सिनेमा, सिनेमा से बाग, बाग से सिनेमा, घर, बाग, सिनेमा, हत्ता कि ये बात उन्होंने दुनिया पर साबित कर दी कि दुनिया गोल है। गोल क्या है? गोल मटोल है। लेकिन तुम इतना बता दो प्यारे कि उन दोनों की शादी हुई किस तरह। कमाल है बाबूजी, जिस बात को होने के लिए पूरे 3 साल लग गए वो आपको 3 सेकंड में कैसे बता दूं। हाँ, अगर आप थोड़ा सा नकदव और अरे कभी तो भूल जाया कर प्यारे। अब तो जेब खाली हो गई है, कल दे दूंगा। ओहो, आपकी जेब खाली हो गई है और मेरा गला थक गया है। मैं भी आपको बाकी का हाल कल ही बता दूंगा। तो तुम समझते हो मैं रात की रात के भाग जाऊंगा, कल जो चाहे ले लेना। तो आप क्या समझते हैं कि मैं रात ही रात में गुम हो जाऊंगा?
आप कल जो चाहे सुन लेना। अब वो छुट्टी की घंटी बज गई, अब आप भी छुट्टी कीजिए। नमस्ते, राम राम, गुड इवनिंग। नमस्ते। देखो बेटा, आज हमारी बड़ी लड़की का जन्मदिन है। लक्ष्मी की माँ ने बिटिया रानी को बुलाया है। राय साहब, आज शाम को हमें घर पे बहुत काम है। काम कल हो जाएगा। तुम नहीं जानते बेटा, लक्ष्मी की माँ इसे देखकर यही समझती है जैसे उसे अपनी खोई हुई लक्ष्मी मिल गई है। इसे जरूर भेजना। अच्छा राय साहब, ये आ जाए। अच्छा अच्छा, नमस्ते, जरूर आना, जरूर आना। आज मेरी बच्ची की 20वीं सालगिरह है। उसे तीन ही 16 साल हो गए। भगवान जाने वो कहाँ है अब किस हाल में। ये साड़ी तुम पहन लो। तुम्हें इस साड़ी में देखकर मुझे ऐसी खुशी होगी जैसे अपनी लक्ष्मी को देख रही हो। हैं राजू, अगर जासूस है तो माँ में बड़ा झाड़फूस हूँ। उसने मुझसे सवाल किया गंदुम और माँ ने जवाब दिया चीना। बेचारा नकदऊ रखकर चलता बना, इसमें हमारा क्या बिगड़ा। बहुत अच्छा किया। हाँ। लेकिन ज्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता। लालच किसे नहीं होता गुरुजी, कहिए आप तो कोई लालच नहीं। मिर्ची देखिए कितनी डालूं। मिर्चे दो तोले। दो तोले, मगर तोलूं कैसे। दो रुपए निकालिए। दो रुपए मिर्ची नहीं तोलनी। ओ, रुपया एक एक तोले का होता है। जवाब नहीं तुम्हारा नकदो, ये लो। अब डालिए मिर्ची, डालिए थोड़ी और। नहीं नहीं थोड़ी और बस। ज्यादा हो गई, थोड़ी निकाल लीजिए, थोड़ी 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 से। अब ठीक है, ठीक है। ये मिर्ची, अब देखिए नमक कितना डाल। नमक चार तोले। चार तोले, तो फिर दो रुपए और निकालिए। अरे जा, मुझे बनाने चला, इन्हीं दो रुपए से दोबारा तोल कर डाल दो ना। अच्छा बाबा, हमारा क्या जाता है, वजन बराबर होना चाहिए। चलिए लाइए नमक, लाइए थोड़ा और। ये हो गया दो तोले, दो तोले और। गुरुजी, आज बीबी अगर हमारे हाथ का पका हुआ खा लेगी ना, तो फिर इन रुपयों की कसम है यहाँ से कभी जाने का नाम तक नहीं ले। बस करो, कहीं उसके सामने जोश में आकर ऐसी बात ना कह बैठना। वो आ गई, जरा छोड़कर बर्तन अंगीठी से उतार ले। देखिए मिस्टर, क्या सूरत निकल आई है। बेहद खूबसूरत। जान पड़ता है उन्होंने अपनी लड़की का जन्मदिन नहीं मनाया बल्कि तुम्हारी सालगिरह मनाई। बिल्कुल देवी लक्ष्मी नजर आती। देवी लक्ष्मी नहीं बल्कि काली माता। कहीं हल्दी मल्दी, कहीं सिंदूर भर दिया, कहीं सिंदल फूस दिया। उफ, कितने भयानक रस्म रिवाज हैं। ऐसा न कहो, ये सब तो हमारे धर्म की खूबसूरत निशानियां हैं। हमारे बुजुर्गों ने पवित्रता को रोजमर्रा की रीतों में शामिल कर दिया है। मिसाल के तौर पर हल्दी को लो। हल्दी जिस्म के गंदे जरासीम को मारती है। दो रोज हल्दी मलने से चेहरा जितना निखर सकता है उतना उम्र भर पाउडर लगाने से नहीं हो सकता। और ये मांग का सिंदूर तो बुरी नजर से बचाने के लिए। सिंदूर तो हर लड़की को लगाना चाहिए, खासकर तुम जैसी खूबसूरत लड़की को। बस बस, बहुत हो चुका। मेरी तारीफों के पुल बांध दिए, बड़े आए शास्त्री कहेंगे। गुरु, भोजन तैयार है, आओ चले। मुझे कोई खास भूख नहीं है, तुम खा लो। नहीं नहीं,
खाना तो खाना ही पड़ेगा। बुजुर्गों ने कहा है कि भूखे को भगवान भी नहीं मिलता। सच कहते हो गुरु, जीव आत्मा, परमात्मा, देह आत्मा और मुझ जैसे धर्म आत्मा सबको खाने की जरूरत पड़ती है। ये तो शास्त्र थे ही, तुम भी ज्ञानी नहीं थे? अजी हाँ देवी जी, हम लोग हिंदू हैं और वो भी संपूर्ण हिंदू। हम लोगों का जन्म ज्ञान में होता है, परमान ज्ञान में होता है और संसार भी ज्ञान में होता है। ए, ए, शास्त्रार्थ रहने दो, पहले उधर सब्जी दो, देखना आज खाना कितना अच्छा बना है। दिखने में तो अच्छा ही नजर आ रहा है। काश दमयंती ऐसा खाना पकाती तो राजा नल उसे कभी ना छोड़ता। देवी जी ये वो खाना है जो एक बार खा ले तो उम्र भर याद रखेगा। ओह माय गॉड, ये तो सिर्फ मिर्चे ही मिर्चे हैं। तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। ये चखी है नद्दो, सब्जी में इतना नमक कहाँ से आ गया? जहाँ से मिर्चें आई थी गुरु, किताब आपकी, आंखें आपकी, जबान आपकी, मेरा क्या कसूर है? अरे मैंने तो तुम्हें सही सही पढ़कर बताया था। तो फिर वजन में गलती हो गई होगी, 2 रुपए बचा लिए और खाना हराम कर दिया। अच्छा तो तुम लोगों ने मसाला तोड़ तोड़ के खाना पकाया है? घर में कोई सब्जी बाकी है या सब खत्म हो गई? बहुत सब्जी है, बहुत सब्जी है। चलो मैं पकाती हूँ। हाँ चलिए चलिए, आप मजा आ। मास्टर जी, मास्टर जी, दीदी कहाँ है? अंदर है, अभी आती होगी। बैठो, चाय पियोगी? जी नहीं, मैं तो अभी अभी माखन के साथ बासी रोटी खा के आ रही हूँ। मास्टर जी ये मेरा नेकलेस देखिए कैसा है, बॉम्बे से मंगवाया है मास्टर जी। बड़ा अच्छा। और झुमके मास्टर जी, ये भी बहुत अच्छे। और देखिए देखिए, मैं क्या जानू, वो रही तुम्हारी दीदी, उससे पूछ लो। क्यों दीदी तुम कहो कैसे है? हाँ हाँ अच्छी है, पहले तुम यहाँ से उठो। क्यों जी मैं क्यों उठूँ यहाँ से, क्या ये सोफा हमारा नहीं? क्यों नहीं, तुम्हारा ही तो है, ये सोफा तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है और हम भी तो तुम्हारे हैं, अब तो उठो। नहीं नहीं मैं नहीं उठूंगी, चलो चलो उठो, चल के गाना सीख लो। देखो मास्टर जी, दीदी ने मुझे कैसा मारा, मुझे तो कभी माँ ने भी हाथ नहीं लगाया। क्या हुआ, माँ बाप से ज्यादा हाथ उस्ताद का होता है, जाओ गाना सीखो। ये मर्द पड़े दिल सर्द पड़े बेदर्द न धोखा खाना, मीठी मीठी बत्तियों में भूल के नाना। ये मर्द पड़े दिल सर्द पड़े बेदर्द न धोखा खाना, मीठी मीठी बत्तियों में भूल के नाना। बात पते की है
में भूल के लाना। ये मर्द बड़े दिल सर्द बड़े बेदर्द न धोखा खाना। मीठी मीठी बत्तियों में भूल के लाना। ये मर्द बड़े दिल सर्द बड़े बेदर्द न धोखा खाना। मीठी मीठी बत्तियों में भूल के लाना। बहुत अच्छे, कितने नेक ख्याल है। क्या नसीहत है, क्या शिक्षा है। तुम्हें भी पसंद आई? क्यों नहीं, अच्छी बात सबके लिए अच्छी होती है। इजाजत हो तो मैं भी इसे थोड़ी सी नसीहत कर दूं। शौक से। ये मर्द बड़े दिल सर्द बड़े बेदर्द, चलो जी माना। मर्दों का फिर भी गुलाम है जमाना। दुनिया के साथ चलो, नया जमाना है ये। मर्दों को दोष देना राग पुराना है ये। दुनिया के साथ चलो, नया जमाना है ये। मर्दों को दोष देना राग पुराना है ये। झूठी इनकी जात कहो या कहो इन्हें दीवाना। मर्दों का फिर भी गुलाम है जमाना। ये मर्द बड़े दिल सर्द बड़े बेदर्द, चलो जी माना। मर्दों का फिर भी गुलाम है जमाना। गुरूर लड़ना नारी की भूल है ये। ठंडा मिजाज रखना पहला असूल है ये। गुस्सा गुरूर लड़ना नारी की भूल है ये। ठंडा मिजाज रखना पहला असूल है ये। बात पते की कहता हूँ मैं चाहे कहो दीवाना। मर्दों का फिर भी गुलाम है जमाना। ये मर्द बड़े दिल सर्द बड़े बेदर्द, चलो जी माना। मर्दों का फिर भी गुलाम है जमाना। ये मर्द बड़े दिल सर्द बड़े बेदर्द, चलो जी माना। मर्दों का फिर भी गुलाम है जमाना। मास्टर जी आपने तो कमाल कर दिया। कहिए आपकी क्या राय है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मास्टर जी मुझे तो बहुत पसंद है। अगर इतना ही पसंद है तो कल से इन्हीं से गाना सीख लेना। जरूर सीखूंगी। आदिति दीदी मैं तो भूल गई थी, माता जी ने आप दोनों को खाने पर बुलाया है। हम नहीं आ सकते, हमें स्कूल जाना है। स्कूल कैसा, आज तो इधर है ना। हाँ हाँ, इतवार को हमें भूख नहीं लगती। मैं कुछ नहीं जानती, माता जी ने संदेश दिया था, मैंने आपसे कह दिया। जी चाहे तो आइए, नहीं तो घर में बैठिए, मैं तो चली। इतने बड़े आदमी प्यार से अपने घर बुलाए तो जाने में हमारा क्या नुकसान है। तुम क्या जानो क्या नुकसान है। देखा नहीं कल रात को वो दोनों कैसे घुल मिल रहे थे, जैसे तुम उनके दामाद हो और मैं उनकी बेटी। जरूर जानबूझकर कोई बुड्ढा बुड्ढी को उकसा रहा था। तो क्या इसमें मेरा हाथ है। और किसका होगा, ये झूठ मूठ की शादी तुम्हारे दिमाग का तो कमाल है। ना तुम इतना खूबसूरत झूम रहे थे, ना वो लोग मेरी जान को आते। आखिर कौन होते हैं मेरे, क्या मैं लगती हूँ उनकी। तुम समझते हो कि मेरी नीयत बुरी है। मैं ऐसा आदमी नहीं। देखो जिस तरह भी बन पड़े ये 2 महीने जो ही त्यों ही गुजार लो, तनख्वाह मिलते ही फौरन चली जाना। मेरा क्या है, जो मुझ पर गुजरेगी मैं देख लूंगा। तुम जानो मुझे क्या, लेकिन मैं उनके घर खाना खाने नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तुम अकेले चले आए, हमारी बेटी कहाँ है। जी उसकी तबीयत जरा ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं, अजीब आदमी हो। उसे बीमारी की हालत में अकेले घर छोड़कर तुम खुद यहाँ चले आए, आखिर तुम्हें घर बार का कुछ ख्याल है या नहीं। नहीं नहीं राय साहब, मैंने सोचा आप खामखा हमारा इंतजार करते रहेंगे, इसलिए मैं आपको खबर करता जाऊँ। बस बस
तुम घर जाओ, मैं डॉक्टर लेकर आता हूँ। नहीं नहीं राय साहब, ऐसी कोई बात नहीं, डॉक्टर की क्या जरूरत है? मैं कहता हूँ तुम जाओ। नहीं नहीं राय साहब सुनिए, जाओ जाओ, अजीब आदमी है। माफ करना मैडम, मैं गलती कर बैठा हूँ। गलती के सिवा अब तुम करोगे क्या? ये कोई नई बात नहीं है, अब क्या हुआ है? बात यह है कि तुमने तो खाने पर जाने से इनकार कर दिया, लेकिन मैं वहाँ चला गया। उन्होंने तुम्हारे न आने की वजह पूछी तो मैं शामत का मारा कह बैठा कि तुम बीमार। बस मेरे मुँह से ये लफ्ज निकले ही थे कि राय साहब सावन भादों की झड़ी की तरह मुझ पर बरसने लगे। तुम उसे बीमारी की हालत में छोड़कर यहाँ क्यों आए? तुम्हें घर बार का कुछ ख्याल नहीं, फौरन घर जाओ और मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मैडम अब डॉक्टर आ रहा है, किसी तरह बात को संभाल लेना वरना मेरी खैर नहीं। अच्छा तो अब तुम्हारी बात रखने के लिए अच्छी भली होते हुए मुझे बीमार बनना पड़ेगा? मेरी खातिर ना सही, मेरी नौकरी की खातिर ऐसा कर लो, बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। तो फिर बीमारी का नाम भी बता दीजिए। टीबी, निमोनिया, गठिया, पागलपन, कौन सी बीमारी तजवीज फरमाते हैं आप? जो आप पसंद करें। मेरा मतलब है मैंने तो किसी खास बीमारी का जिक्र नहीं किया। वो लोग आ रहे हैं, लेट जाओ ना प्लीज। बेटा अरुण आइए बेटी, आइए आइए। बेटी क्यों? बेटी क्या हो गया तुम्हें, क्या बीमारी है? क्या हुआ बेटी? भाई जी देखिए ना, देखिए ना। परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। बीमार अगर न भी बताए तो कोई परवाह नहीं, मैंने बहुत से गुंगों का भी इलाज किया है। राय साहब इसके दिमाग में सर्दी जम गई है और इस बीमारी के बीमार बिल्कुल मुर्दों की तरह लेटे रहते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, मैं भी वो गोली दूंगा, गोली अंदर और बीमारी बाहर। सर्दी लगी है तुम्हारे दिमाग को, मैं अच्छी भली हूँ, जाओ यहाँ से। ओ दिमाग की सर्दी के साथ पित्त की गर्मी भी है, ज्यादातर दिमाग की सर्दी और थोड़ी सी पित्त की गर्मी है। मैं 3 गोली सर्दी निवारण और 1 गोली पित्त निवारण देता हूँ, थोड़े से शहद में मिलाकर दे दीजिए। शहद में क्यों, 16 भर जहर में मिला के खुद खा लो। रोग तो गलत निकला, अब पित्त की गर्मी ज्यादा है और दिमाग की सर्दी कम, कोई बात नहीं, मैं 3 गोली पित्त निवारण और 1 गोली सर्दी निवारण देता हूँ। ये गोलियां रखो अपने घर में, सर्दी गर्मी तुम्हें हुई है, मुझे नहीं, जाओ यहाँ से, गेट आउट। ओह माय गॉड, ओह अब समझा, ये तो न दिमाग की सर्दी है न पित्त की गर्मी, भूत प्रेत का साया पड़ गया है। भूत प्रेत का साया हुआ है तुझ पर? मुझ पर नहीं, अभी निकालती हूँ तेरा भूत। भूत भूत कुछ नहीं, चलिए यहाँ से चलिए। एक सांस में आपने 3-3 बीमारियां बताई। तो क्या मैंने झूठ बताया है? जैसे जैसे बीमार की हालत बदलती गई वैसे वैसे बीमारी बदलता। जो होना था हो गया, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लो, वो लोग अपने आप चले जाएंगे। पहले तुम्हारे कहने से मैंने कान बंद कर लिए, अब तुम कहते हो आंखें बंद कर लो, ये सब मुझसे नहीं होगा। ओम तत् सत्, ओम छिन छिन कटिन कटिन चर्ब कटिन, भाग रे भाग काले भूत शैतान के दूत, वरना मारूंगा सारे। सुना तुमने, इन सबको बाहर निकालो वरना मैं सबके सामने तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी। ओम सुंदरी आनंद भैरवी नीली सुधैकारी चंतर मंतर तंतर काम करंतर छुमंतर ओम स्वाहा ओम स्वाहा। भस्करो भस्करो ये सब फजूल है, देखिए ये भूत हिंदू नहीं है जो संस्कृत के मंत्रों से भाग जाएगा, ये किसी ईसाई का भूत है। जब ये क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ती थी उस वक्त से इसका साया पड़ा हुआ है, अक्सर रातों को मैंने इसे कांटे छुरी से खाना खाते देखा है। तो फिर क्या फायदा, लेकिन बेटी की जान खतरे में है, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। सच कहते हो राय साहब, मुझे एक मौका और दो, मैंने असली अंग्रेजों के भूत निकाले हैं, ये तो बेचारा ईसाई का भूत है। ओम श्रीम क्लीम चंडी चंडी चामुंडी बम बम भवानी आजा आजा मनमोहनी तनमोहनी काटी आजा। ये सब क्या बकबक है, अभी तक इन लोगों को बाहर नहीं भेजा? हाँ हाँ भेजा हूँ, सबको भेजा, जाइए जाइए। बेटी ये कैसी बातें कर रही हो, हम कोई पराये थोड़े हैं जो हमें बाहर निकाल रही हो। हाँ मेरे लिए तुम सब पराये हो, यहाँ मेरा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। असर हो रहा है, आ जाओ आ जाओ, बताओ तुम किसके भूत हो, बताओ। छेड़ा वो नहीं, ये बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, क्या कह रहे हो? अच्छा अच्छा नहीं बताओ, बोलो बोलो तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम बिना गति मरे हो तो हम तुम्हारी गति करवाएंगे, मैं खुद हरिद्वार जाऊंगी,
लेकिन तुम हमारी बेटी का पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। अगर तुम हमारी बेटी नहीं हो तो फिर कौन हो? छोड़िए ये बात, किसी को क्या पता कौन है ये। क्या कहा? मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं एक ईसाई लड़की हूँ, मेरा नाम मिस मेरी है, मेरी शादी अभी नहीं हुई। और नहीं हुई तो क्या हुआ, अब हो जाएगी। क्यों बेटा? नहीं, मैं शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। नहीं करोगी तो क्या हुआ? क्या हमारे बेटे को लड़कियों की कमी है? क्यों जी, हम अपनी सीता का लगन इसके साथ कर देंगे। जो जी चाहे कीजिए, एक छोड़ अपनी दोनों लड़कियों की शादी इससे कर दीजिए, मुझे इससे क्या वास्ता। मैं यहाँ स्कूल की नौकरी के लिए आई हूँ, सुबह 10 बजे स्कूल जाऊंगी, शाम को 5 बजे वापस आऊंगी, मुझे तनख्वाह नौकरी करने की मिलती है। आप क्या खाना खाने की नहीं, ना मैं आपके घर आऊंगी ना आपका खाना खाऊंगी। जो जी में आए कहो, अगर हमारी बेटी हो ना। फिर बेटी कहा? आज तक मुझे बेटी मत कहिएगा, मेरा नाम मिस मेरी है, पुकारता हूं तो मिस मेरी कहिए। राय साहब, फिक्र की कोई बात नहीं, ये दौरा सिर्फ 24 घंटे का होता है। अब उठो, तो चलकर थोड़ा खाना खा। मुझे भूख नहीं है, तुम जाके खा लो। भूख कैसे नहीं होगी, दोपहर को भी कुछ नहीं खाया। आखिर नाराज किस पे हो तुम? किसी पर भी नहीं, तुम जाओ। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी सरफरी हो तो मैं कभी तुम्हें यहाँ नहीं लाता। और अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतने चालबाज हो तो मैं कभी तुम्हारे साथ ना आती। तो मैं चालबाज हूँ? तो क्या मैं सरफरी हूँ? अच्छा अच्छा, अब बहस से क्या फायदा, मैं ही चालबाज हूँ। लग दो, तुम खाना खा लो। अब तुम बताओ, तुम किससे नाराज हो? मेरी क्या मजाल जो मैं किसी पे गुस्सा करूँ, मैं तो अपने आप से नाराज। बड़े सुरमा हो, औरतों से मुकाबला करने चले हो, चलो उठ के खाना खा लो। उधर 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 अरे अरे नग्दो, सीखने आई हो? हाँ मास्टर जी। जाओ दीदी के पास जाकर सीख। ओ दीदी से? बाप रे बाप, आपने सिखाई है मास्टर जी? मुझे काम से बाहर जाना है। नहीं नहीं, आपको सिखाना ही पड़ेगा। जिद क्यों करती हो, कह तो दिया कि बहुत जरूरी काम है। नहीं नहीं मास्टर जी, मैं आपसे ही सीखूंगी। क्या है, जब उन्हें जरूरी काम है तो क्यों परेशान करती हो? आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ। अरे मुझे घूर के तो इस तरह देख रही है जैसे मैं कोई भूत परेत हूँ। देखिए मास्टर जी, देखिए मुझे डर लग रहा है मास्टर जी। डर क्यों लग रहा है, मैं तुझे खा थोड़ी जाऊंगी, आओ मेरे साथ। ओ मास्टर जी, अरे मास्टर जी मुझे हुआ क्या है? देखिए मास्टर जी। जाने दो इसे, शायद डर गई। सीता जा, तू घर जा। नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, आप भी मेरे साथ चलिए मास्टर जी। अच्छा अच्छा, देखो मैं वहां से स्कूल चला जाऊंगा, तुम भी वहीं आ जाना। आओ सीता। जाओ चिट्ठी अपने गुरु को दे।
क्या वो बहुत गुस्से में? गुरु गुस्से से लाल पीली हो रही है। ये बात है तो आज रात को जरूर झगड़ा होगा। नगदो किसी तरह मेरे आने से पहले ही तुम उसे खाना खिलाकर सुला देना। और देखो वो रसोई का दरवाजा खुला रखना, मैं वहीं से आ जाऊंगा। बीबी जी आखिर आप कब तक इंतजार करेंगी? 9 बज गए, आप खाना खा लीजिए। सच सच बताओ उन्होंने क्या कहा था? जबानी तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन गुरु की शक्ल से साफ जाहिर हो रहा था कि वो आज रात को घर नहीं आने वाले। घर नहीं आएंगे तो खाएंगे कहाँ और सोएंगे कहाँ? सच सच बताऊं बीबी जी, दरअसल गुरु को आपसे डर लगने लग गया है। आज का खाना तो राय साहब क्या खा लेंगे और रात को किसी दरख्त के नीचे सो जाएंगे। दरख्त के नीचे सोए या दरख्त के ऊपर चढ़कर, मैं उनके लिए नहीं जाऊंगी। ये आवाज कैसी थी? कोई बैल बैल होगा? रसोई में बैल? मैं खुद देखती हूँ। बैल दाल पका रहा होगा गुरु जी। बीबी जी इस कमरे में तो चूहे हैं। अच्छा तो ये इतनी रात गए आप आंख में चोली खेल रहे हैं? पहले क्या घर में कम मुसीबतें खड़ी कर रखी हैं जो दुनिया को ये तमाशा दिखाओगे? मैं पूछती हूँ आखिर तुम चाहते क्या हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, आज तुम गुस्से में थी। मैं गुस्से में हूँ? जो जी चाहता है कर लेते हो। मैं जानती हूँ तुम उन लोगों से मेल जोल पक्का करना चाहती हो, शौक से करो, लेकिन मुझे इस चीज से मत डालो, समझे? देख रहे हो मेरे भाई? हाँ गुरु देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, मगर गुरु घबराते क्यों हो? मर्दों का फिर भी गुलाम है ज़माना। क्या बक रहे हो, कहीं उसने सुन लिया तो? बेफिक्री से सो जाओ, अब डरने की कोई बात नहीं। मुझे डर लगता है। डर कैसा? नगदो यहाँ पहरा देगा और फिर मैं भी हाल ही में हूँ। चलो चले नगदो जी, होशियार रहना। आप बेफिक्र रहिए। अपना ही दरवाजा था। Thank you.
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या सारी रात जागते रहे? तो क्या हुआ, तुम तो अच्छी तरह सो सकी। हाँ, मैं तो खूब सोई और एक अजीब सा सपना भी देखा। क्या था वो, सुनाओ जरा। कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है, क्या जान सपने में आया था? तुमने कैसे जाना? इसमें जानने की कौन सी बड़ी बात, तुम्हारे ख्वाब में या जान आ सकता है या मैं। बैठ जाओ ना। बात यह है कि अगर वो लोग खामखा हमारा रिश्ता ना जोड़े तो मैं यहाँ से जाने का नाम भी ले लूँ। इससे अच्छी बात क्या हो, तुम रुक ही जाओ, ये कुआना का आश्रम है, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं। क्या तुम सदा कुंवारे रहोगे? कौन जाने, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दरअसल हम तुम मियाँ बीवी तो है नहीं, फिर अगर वो लोग ऐसा समझे तो तुम बुरा क्यों मानती हो? बुरा नहीं मानूंगी, तुम औरत होते तो पता चलता। अच्छा छोड़ो ये सब बात, तुम रात भर के थके हुए हो, मुंह हाथ धो लो, मैं चाय बनाती हूँ। बेटी मुझे यकीन नहीं आता कि महीना भर में कोई स्कूल को इतना कैसे सुधार सकता है। मैं सच कहता हूँ कि तुमने तो स्कूल की काया ही पलट दी है। मुझे आशा है कि अगर तुम इसी तरह मेहनत करती रही तो एक ना एक दिन ये स्कूल जरूर हाई स्कूल बन जाएगा। जी क्यों नहीं, वो दिन कोई दूर तो नहीं। हाँ रायता, आप चिंता मत कीजिए, हमसे जो कुछ बन पड़ेगा हम करेंगे। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बिटिया रानी को दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम जरूर इसे फजूल खर्ची में उड़ा दोगे। हाँ जैसे आपकी मर्जी, हम में कोई फर्क थोड़े है। देखा चुपके से चला गया, तुम हमेशा इसे अपने काबू में रखना, ये लड़के बड़े लापरवाह होते हैं। जब उस दिन तुम बीमार पड़ी थी तो तुम्हें अकेला घर छोड़कर हमारे यहाँ चला आया, न देखभाल न दुआ, भला ऐसे कभी गृह चलता है? तुम्हें इंसान इस पे हमेशा नजर रखना। चाचा जी सिर्फ इन्हें ही नहीं, हम सबको उस पर नजर रखनी चाहिए। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते नमस्ते। तुम तो खूब बच निकले, लेकिन मेरी शामत आ गई। तुम्हारे जाते ही रास्ता मुझे नसीहत से नसीहत करने लगे, कह रहे थे कि मुझे तुम पर पूरा पूरा काबू रखना चाहिए, और ना जाने जठारे ले लेकर क्या कुछ बयान करते रहे। ये लो तुम्हारी तनख्वाह। मुझे कोई खास जरूरत नहीं, पहले तुम जॉन का कर्ज अदा कर लो, अगर जरूरत पड़ी तो अगले महीने मुझे लौटा देना। तुम्हें कहीं नहीं भेजना? मुझे कहाँ भेजना है, कोई रिश्तेदार तो होगा? नहीं। ये लो सारा रुपया, मेरे घर के पते पे मनी ऑर्डर कर दो। ये सब मेहरबान यीशु मसीह की बरकत कि आज हम तुम्हारा सब कर्ज अदा करने के काबिल हुए। ये लो अपना 400 रुपया और लाओ मेरा प्रॉमिसरी नोट। माय गॉड, एक महीने में 400 की कमाई कहाँ से आई? क्या लॉटरी निकली है? लॉटरी नहीं निकली, किसी नेक आदमी ने कर्ज दिया। लाओ मेरा प्रॉमिसरी नोट। देता हूँ देता हूँ, ये लो। अब पापा बात यह है कि पहले ये बताइए कि मेरी कहाँ है। 100 बार कह चुका हूँ तुम्हें मेरी का पता नहीं बताऊंगा, फिर बार बार क्यों पूछते हो? तो नहीं बताओगे? नहीं। ये बात है? हाँ यही बात है। तो गुड बाय टाटा। देखो रसी दादी, शुक्र है जू जू करके कर्ज पे जान छूटी। तुम्हारा भी शुक्रिया तुम्हारे खूबसूरत मशवरे का। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए, अगर तुम मेरा मशवरा न मानती तो ये दिन देखने में ना आता। कुछ भी हो सोचते तुम्हें खूब है, किस मौके पर कौन सा रूप भरना है ये कोई तुम्ही से सीखो। मास्टर जी। क्यों सीता कैसे हैं? तुम्हारे लिए नहीं है, मुझे मास्टर जी से काम है। मास्टर जी से तुम्हारा क्या काम है? गाना सीखने आई हूँ और क्या, आज से गाना वाना सब बंद, चले जाए। बड़ी आई मुझे यहाँ से निकालने वाली, मैं आज ही पिताजी से कहकर तुम्हें डिसमिस करवा दूंगी। हाँ हाँ, जैसे घर की मालिक तू ही तो है, जैसा जी चाहे कर लेना। देख लेना मैं क्या करती हूँ। चलिए मास्टर जी, मैं अपने ही घर में सीखूंगी। जरा सुनो। हाँ
आइए ना मास्टर जी। चलिए मास्टर जी। आज नहीं सीता, मैं कल आऊंगा। कल नहीं, आज आइए मास्टर। कभी नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चली जाओ यहाँ से। आइए ना मास्टर जी। हरगिज़ नहीं मास्टर जी। नहीं मास्टर जी, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, मैंने जरूर लेकर जाऊंगी, तुम देखोगे। मास्टर जी मुझे घर पे आकर गाना सिखाएंगे, नहीं तो मैं अपना कान काट डालूंगी। मेरी बला से कान क्या, नाक भी कटवा डालो। जल्दी कहीं जी, जल्दी होगी। तुम जरा शक्ल तो देखो अपनी, शेख को करेला दूसरे दिन जरा सरप न कहेगी। वाह 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 गुरु, आज तो रुक्मिणी और सत्य भामा फिर से जिंदा हो गई है। जी किनका नाम मेरा? पुराणों की बात कर रहा। रुक्मिणी और सत्य भामा तो बहने थे, दिन हो या रात उनका काम आपस में लड़ते ही रहना था। ओ, ये बात तो। नवरू हम दोनों सैर के लिए जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना। अच्छी बात है जी। चाची चाची, चाची कुछ और, बस कुछ और। रुपए से तुम रोज ही ले जाते हो, मगर लक्ष्मी का भी कुछ पता लगाया? चाची कोशिश तो दिन रात कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। लक्ष्मी का हुलिया पुराने ढंग का है और लोग आजकल मॉडर्न हो गए। जिस लड़की को भी देखता हूँ गले में लॉकेट की जगह सिर्फ गला ही होता है, बाकी रहा तिल का निशान। तो कमबख्त आजकल की लड़कियां लड़कों की भी बाप बनी फिरती हैं। ये बड़े बड़े बूट, ये बड़े बड़े सैंडल और ये बड़े बड़े चप्पल, तिल तो तिल पांव तक नजर नहीं आता। लेकिन तुम चिंता मत करो चाची, मैं आर के राजू हिंदुस्तान का जासूस नंबर वन पता लगा कर ही छोड़ूंगा। माँ वो मास्टर ने तो बिल्कुल चुड़ैल है, मुझे मास्टर जी से गाना नहीं सीखने देते। राजू तो उसे फौरन डिसमिस कर दो। ऐसा नहीं कहते बेटी, मास्टरानी चली गई तो मास्टर भी चला जाएगा। तो फिर मास्टर जी को यहाँ बुलाओ, मैं उनसे यही गाना सीख लिया करूंगी। अच्छा मैं उसे बुलवा भेजती हूँ। राजू बेटा अरुण से जाकर कहो मैंने उसे बुलवाया है, जाओ जल्दी से जाओ। लेकिन चाची। चलो ना। जाता हूँ। प्यारे तुम्हारे मास्टर कहाँ है? क्या बात है? कोई खास बात नहीं, सीता ने बुलवा भेजा है। बुलवा भेजा है तो फिर फूट गई अपने गुरु की किस्मत। मगर हुआ क्या? पूछो मत बेचारा गुरु। अरे मगर क्या हुआ है तुम्हारे गुरु को? वो अच्छा भला था? क्या बताऊं बाबूजी, बात दरअसल ये है कि पहले जरा नकदऊ। जब देखो वही पुराना राग, नकदऊ नकदऊ नकदऊ। ये लो अब कुछ बात बनी ना। बात यह है बाबूजी कि सीता हमारे गुरु को गाना सीखने के लिए बुलाती है और हमारी बीबी गुरु को वहां जाने से रोकती है। अगर गुरु गाना ना सिखाए तो सीता नाराज, अगर सिखाए तो बीबी जी की तबीयत नरम गरम। बाबूजी अपने गुरु की हालत तो बिल्कुल जुराब जैसी हो गई है, एक तरफ पांव और एक तरफ जूता और बीच में गुरु मोजे की तरह घिस रहा है। क्यों प्यारे, अगर सीता मास्टर से गाना सीखती है तो इसमें तुम्हारी मालकिन का क्या जाता है? यही तो राज की बात है। हाँ अगर थोड़ा सा नकदऊ और मिले तो वो भी बताता हूँ। ये बात है। हाँ। ये लो प्यारे। ये तो बात हुई ना, अब बताओ। हाँ, बात यूं है कि पिछली बार जब हमारी मालकिन बीमार पड़ी थी ना, तो उन्होंने नौकरी छोड़कर चले जाने की धमकी दी थी, याद है? उस वक्त आपके राय साहब ने क्या कहा था? क्या कहा था? कहने लगे बड़ी आई धमकी देने वाली, जाती है तो जाने दो, हम अपनी सीता का लगन निश्चय कर देंगे। तुम जानो बाबूजी कि लालच किसे नहीं होता, गुरु के मुंह में भी सीता का नाम सुनकर पानी भर आया। इतना लालची है तुम्हारा गुरु? हाँ हाँ बाबूजी, दौलत का लालच तो हर किसी को होता है। देखिए ना, सीता ठहरी राय साहब की बेटी और राय साहब ठहरे बेशुमार दौलत के मालिक। आप भी दिल बड़ा करके जरा नकदऊ दीजिए, फिर सुनिए मुझसे। बस 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 बस, जो सुन लिया वही बहुत है। चंद्रगुप्त आलीजा, आलीजा नहीं मेरा सर, चलो घर। राजू मास्टर जी को नहीं लाए? आने से इनकार कर दिया है, बड़ा आया नवाबजादा कहीं का। लेकिन सीता तुम परवाह मत करो, मैं आज ही उसे डिसमिस किए देता हूँ। देखो माँ, राजू मास्टर जी को डिसमिस कर रहा है। राजू जल्दबाजी में ऐसा मत कर बैठना, जाओ अपना काम करो, जाओ। यस
घबराओ नहीं बेटी, तुम्हारे पिताजी आएंगे तो मैं उनसे कह के मास्टर जी को बुलवा दूंगी। मेरी अच्छी बच्ची। ये चांद तारे सारे के सारे रख दूंगा कदमों में एक दिन तुम्हारे, ला 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 ला। ये चांद तारे सारे के सारे रख दूंगा कदमों में एक दिन तुम्हारे। शाबाश शाबाश, चांद सितारे तो क्या सूरज भी तोड़ कर ले आना। पहले ये तो बताओ कि कभी एक चांदी का छल्ला भी बनवा कर दिया है इसे तुमने, जो चांद सितारों की बातें कर रहे हो। देखो बिटिया, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आ जाना। रानी बिटिया, तुमने तो हमारे यहाँ आना जाना ही छोड़ दिया, और तो और अरुण को भी मना कर दिया। तुम्हारा ख्याल है हम इसे तुमसे छीन लेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम आया करेंगे। देखो बेटा, मैंने तुम्हें कई बार कहा लेकिन तुम सीता को गाना सिखाने नहीं आए, जानते हो कितनी परेशान है। राय साहब, इन दिनों मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, कल जरूर आऊंगा। कल नहीं, आज, बल्कि अभी तुम दोनों को हमारे साथ चलना होगा। आओ बिटिया, मुझे रसोई संभालना है, तुम चले जाओ। दोनों मशवरा कर रहे हैं? रहने दो जी, सब तुम्हारे जैसे थोड़ा ही है। ठीक है। क्या कहा? आई डोंट वांट टू डिसप्लेस देम, प्लीज लेट्स गो। आई वोंट कम। प्लीज थिंक अगेन। आई हैव थॉट इनफ। आई डोंट लाइक योर एटीट्यूड। आई डोंट लाइक योर डबल गेम। You are mistaken. I am not. Please think soberly. What's wrong in going there? Everything. First of all, I don't like to see their faces. क्यों जी? कुछ समझ में आया? ये क्या रिपीट कर रहे हैं? कह रहे हैं, बुढ़े बुढ़े की शक्ल देखने लायक नहीं। और सच भी तो है। बेटा अरुण, अब आओ भी। जी, आ रहा हूँ। सीता, सीता, तुम मास्टर जी से गाना सीखना बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? कितने प्यार से सिखा रही हो। सीता, तुम अभी बच्ची हो, ये बातें नहीं समझती। मेरा कहा मान लो, मास्टर जी से सीख लिया करो। उस स्टूडेंट से सीखो? हरगिज नहीं, वो तो मेरे सूरज देखते ही लाल पीली हो जाते। ऐसा ना कहो सीता, मास्टर ने तो बड़ी अच्छी है, असल में वो मास्टर ही बड़ा पंडूस है। अगर तुम चाहो तो मैं मास्टर ने को यहीं बुला लाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं। ओहो, तुम तो जिद कर रही हो, मास्टरनी तो बड़ी अच्छी है। नहीं, मास्टर जी बहुत अच्छे हैं। मैं कहता हूँ मास्टरनी अच्छी है। मैं कहती हूँ मास्टर जी बहुत 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 अच्छे हैं। और मैं कहता हूँ मास्टरनी बहुत 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 अच्छी है। नकदाओ, तुम ही फैसला करो, मास्टर अच्छा है या मास्टरनी। दोनों अच्छे प्यारे, यूं नहीं, यूं। सच बताऊं, मास्टरनी मास्टर जी से 10% अच्छी है। अच्छा, तो रिश्वत देकर काम निकाल रहे हो? ठहरो, मैं भी देखती हूँ। अब बताओ लगता हूँ। अजी, मास्टर जी मास्टरनी से 20% अच्छी। अच्छा, अब बोलो। मास्टरनी मास्टर जी से 30% अच्छी। अच्छा, अब कहो। एक दो तीन चार पाँच, हाँ, तो मास्टर जी मास्टरनी जी से 50% अच्छी। ये बात है, अब बोलो प्यारे। अजी, जवाब नहीं है मास्टरनी जी का, मास्टर जी से 100% अच्छी है, 100%। अच्छा, लो मास्टर जी तो खुद ही चले, अब ठहरो, छका दी हूँ तुम्हें मजा। देखिए ना मास्टर जी, नगदा कहता है कि मास्टर ने आपसे 100% अच्छे है। हाँ हाँ, ये हमेशा उसी की तरफदारी करता है। नगदा, तुम जाओ, वो घर पे अकेली है। आइए ना मास्टर जी। नमस्ते। नमस्ते, आइए, ये तशरीफ लाइए। नगदा, तुम जाके चाय ले आओ। शुक्रिया, चाय की कोई जरूरत नहीं, मैं आपसे एक जरूरी बात पूछने आया था। तो ये क्या बात है? नगदा, तुम जाओ, आइए बैठिए। हाँ, आप कहिए क्या बात है? आजकल यहाँ जो कुछ हो रहा है वो तो आप देख ही रही होंगी। जी हाँ। और देखते हुए भी आप इस तरह चुप हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं।
देखिए पानी अफसर से ऊपर गुजर गया है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, आप खुद क्यों नहीं अपनी मंगेतर को संभालते? अरे अफसोस तो सिर्फ इसी बात का है कि मेरे बस में कुछ नहीं है, हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कीजिए। मुमकिन हुआ तो जरूर करूंगी, कहिए क्या चाहते हैं आप? कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा मतलब है सीता को गाना आप क्यों नहीं सिखाती? लेकिन वो मुझसे सीखना ही कहाँ चाहती है, इसीलिए तो उनसे सीखती है। मानता हूँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही चाहिए। तो फिर आप उसे क्यों नहीं सिखाते? मैं? मुझे गाना वाना नहीं आता। आता नहीं तो सीखा तो जा सकता है, आप मुझसे सीखिए और घर जाके सीता को सिखा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे शर्म आती है। इसमें शर्म की क्या बात है, शुरू कर दीजिए ना। प्लीज आप मेरे गले पर ये जुल्म कीजिए। घबराइए नहीं, गाना ही तो है, कोई पहाड़ थोड़े ही खोदना है। आइए प्लीज सुनिए तो। आइए सुनिए प्लीज, मेरा गला सुनिए तो मेरा, प्लीज घबराइए नहीं। सा नी सा रे मा रे नी सा 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 नी सा, एक दफा फिर से। सा नी सा रे मा रे नी सा 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 नी सा रे मा रे नी सा सा pa ma pa ma pa ma pa ma pa ma pa ma pa sa pa ma pa ma pa ma pa ma pa ma pa sa pa 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 gale mein atakta hai, kuch maza nahi aaya na? Bahut maza aa raha hai ji, aap aise hi gaate rahiye, ek din aap khanka ban jayenge. Acha ek baar phir sikhaiye. pa ma pa ma pa ma pa ma pa ma pa ma pa sa pa ma pa ma pa ma pa ma pa ma pa sa. Bahut takleef ho rahi hai ji. तकलीफ तो जरूर होगी, तकलीफ के बगैर काम भी तो नहीं बनता, चीखते चीखते एक राग बन जाएगा, चिल्लाते जाइए। तुम्हारी राय किसने पूछी है, जाओ अपना काम करो। सुनिए आप इस तरह गाइए। सा नी सा रे मा रे नी सा सा। देखिए इस सापा को बाजू में रखिए, गाने के बोल सिखाइए। हाँ हाँ क्यों नहीं। खुश यहाँ हम खुश वहाँ तुम, खुश यहाँ खुश वहाँ तुम, किस लिए फिर तेरी मेरी तू तुम्हें मैं, किस लिए फिर तेरी मेरी तू तुम। कितना घबरा क्यों रहे हैं, इस तरफ देखिए। हाँ गाइए। किस लिए फिर तेरी मेरी तू तुम्हें मैं, किस लिए फिर तेरी मेरी तू तुम्हें। देखता है तुम इधर क्यों देख रहे हो? तो क्या देखना भी जुर्म है? ए नज़ोह, तुम हमारे दरमियान इस तरह खड़े हो जाओ कि कोई हमें देख ना सके। हाँ गाइए। खुश यहाँ हम खुश वहाँ तुम, गाइए। खुश यहाँ हम खुश वहाँ तुम, खुश यहाँ हम खुश वहाँ तुम, किस लिए फिर तेरी मेरी तू तुम्हें मैं, किस लिए फिर तेरी मेरी तू तुम्हें मैं। आप इतना डरते क्यों? प्लीज देखिए मेरा हाथ छोड़ दीजिए। आइए ना। प्लीज सुनिए तो। परवाह मत कीजिए, बैठिए यहाँ। हाँ हाँ बैठ जाइए, हम दोनों में फर्क ही क्या है, शहर के बाशिंदे हैं, कोई देहाती थोड़े हैं। ठीक है ठीक है, मुझे इन बातों की आदत नहीं, मैं जाता हूँ, नमस्ते। सुनिए सुनिए सुनिए, ओ देखिए कल आप यहाँ जरूर आइएगा, मैं आपको एक नया गाना सिखाऊंगी। यहाँ? नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं आ सकता। तो कोई बात नहीं, मैं खुद वहाँ आ जाऊंगी। वहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं चंद्रगुप्त। तुम क्यों जल रहे हो जी? मैं? हाँ हाँ। आने जाओ, ये क्या है? घबराओ नहीं। ये घबराओ? अरे एक बार क्या, सौ बार कोशिश कर चुका हूँ। हारमोनियम बजाया, तबला बजाया, ये भी बजाया और वो भी बजाया, मगर अफसोस गाना न आया, बजाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया। गाना न आया, बजाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया। हाँ कहीं सा है, कहीं रे है, कहीं गामा पाधानी है, कहीं भागेश्वरी की बहन
कहीं जय जयंती की नानी है। आए बोझा सात सुर का हमसे बापरे, उठता भी तो क्यों उठता। हमें एक सुर भी हिलाना न आया, हमें एक सुर भी हिलाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया, गाना न आया बजाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया, हाँ गाना न आया बजाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया। रधस्तरी की सड़क टेढ़ी है देसी राग की, ई ई ई ई चल मोड़ ले टमटम, गले को गर्म कर ले, गले को गर्म कर ले, छोड़ अंग्रेजी में एक एटम, हाँ अंग्रेजी में एक एटम, हाँ अंग्रेजी में एक एटम। ओ माय सीता पपलू पपीता, ओ माय सीता पपलू पपीता, एक ही तो कीता सोरिए सोनिए गोरिए गन्ने दिए पोरिए। काश कि मैं जा सकता लंदन, हेलो सर हाउ आर यू, सीख के आता वहां से वायलन, सी ब्लाइंड माइस, सी हाउ द रन, अफसोस लेकिन ओ जाने मन, हाय जाने मन, कांटे छुरी से खाना न आया, कांटे छुरी से खाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया, गाना न आया बजाना न आया, अरे ये नहीं आया, अरे वो नहीं आया, गाना न आया बजाना न आया, गाना बजाना बजाना और गाना। आप यहाँ कब से खड़े हैं? जी अभी अभी आया हूँ। अंदर तशरीफ लाई ना? जी नहीं यही ठीक हूँ, सीता ने मुझे आपके कमरे में जाने के लिए मना कर दिया। ओह, सीता ने आपसे ये भी कह दिया? जी सीता ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है, ये आपके लिए आई है। आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं? आइए मैं आपको गाना सिखाऊं, आइए चलिए गाना सीखिए। नहीं नहीं अभी नहीं, मैं उनका गाना खत्म होने तक वहीं रहूंगा, आप यहीं बैठिए। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा, मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका
बन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। जमुना तट पर नंद कलाला जब जब रास रचाए रे। जमुना तट पर नंद कलाला जब जब रास रचाए रे। तन मन डोले कान्हा की बंसी मधुर बजाए रे। सुत बुत फूली वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की। रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की। मेरी मैं तो हुई दीवानी मनमोहन मन भावन की। तेरे कारण सिर्फ सांवरे छोड़ दिया मैंने जब सारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। बेटा इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये क्या बात? कौन सी बात? वो घर जाना चाहती है, ये देखो छुट्टी की दरखास्त। छुट्टी? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। तो मैं कैसे मालूम हो सकता है? इन दोनों तुम दोनों में वो पहली सी बात नहीं रही। मैं सब कुछ देखता रहा हूँ। जाओ जाओ उसे मना लो, अगर वो चली गई तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। जाओ 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 जाओ। अच्छा समझा के देखता हूँ। जाओ। लक्ष्मी की माँ, इन दोनों में अनबन हो गई है, हमें गफलत नहीं करनी चाहिए। अगर बात बढ़ गई तो हमें इन दोनों से हाथ धोने पड़ेंगे। अजी दोनों बच्चे ही तो हैं, और फिर ऐसे मौके पर घर में समझाने वाला भी तो कोई नहीं। तुम चिंता ना करो जी, आज रात को खाने के बाद हम दोनों वहाँ चलेंगे। जरूर चलेंगे। मैंने कहा देखो बात ये है। क्या बात है? कहते क्यों नहीं? कह दो दूं, लेकिन मुझे तुमसे डर लगता है। अब डरने की क्या बात है? परसों तो मैं जा ही रही हूँ, फिर तुम्हें आजादी ही आजादी है, जो जी चाहे करते रहना। नहीं नहीं ये बात नहीं, जरा सोच समझ के कदम उठाओ। बहुत सोच चुकी, अब कोई गुंजाइश नहीं। तुम तो सिर्फ अपना ही भला सोचती हो, मेरी तो तुम्हें रत्ती भर परवाह नहीं। जरा सोचो, अगर तुम अचानक चली गई और फिर वापस भी ना आई तो मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगा? जो जी चाहे जवाब दे लेना। आज तक ऐसी कौन सी बात हुई है जिसका जवाब तुम्हारे पास ना हो? इसका भी कोई जवाब ढूंढ लेना। जवाब तो हर बात का हो सकता है, लेकिन बोलने को दिल नहीं मानता। जरा बताओ तो क्या जवाब दोगी? जाने दो, तुम गलत समझ बैठोगी। नहीं नहीं मैं गलत नहीं समझूंगी, बताओ ना। बताने की क्या बात, कह दूंगा तुम्हें वहां जाकर टाइफाइड हो गया, दो दिन के लिए मैं भी पेट पूजा बंद कर दूंगा, और फिर राय साहब और उनकी बीवी मेरी मिन्नत समाजत करेंगे। बेटा अरुण तसल्ली रखो, वो अच्छी हो जाएगी, तुम अपनी आंखों से एक बार उसकी हालत देख कर आओ और फिर मैं कहूंगा। नहीं राय साहब, मेरे चले जाने से स्कूल का क्या बनेगा, मैं नकदों को भेज देता हूँ, इस तरह कुछ दिन तो गुजर ही जाएंगे। और इसके बाद फिर क्या करोगे? इसके बाद बहुत आसान है, अगर तुम लौट आई तो बहुत अच्छा, नहीं तो नकदों की तरफ से एक टेलीग्राम मंगवा लूंगा,
टेलीग्राम मेरे हाथ में होगा, आंखों से पानी का फव्वारा छूट रहा होगा और फिर मैं एक लंबी सी ठंडी आह भरकर कहूंगा, राय साहब उस दिन मैं आपकी बात मानकर चला जाता तो अच्छा ही होता, लेकिन अब तो वो इतनी दूर चली गई है कि मैं जीते जी उसे नहीं देख सकता। तो क्या तुम ये कहोगे कि मैं मर गई? तो क्या मैं ये कहूँ कि तुम भाग गई हो? ओह माय गॉड! तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या कहूँ, इस पेट की खातिर कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेट के बहाने मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी चाल क्या है। मेरी मौत की खबर उन्हें सुनाओगे, वो लोग सीता से तुम्हारी शादी कर देंगे। मुझे क्या परवाह है, कर लो शादी, मना रख लिया, लेकिन अब मैं एक मिनट यहाँ नहीं रुकूंगी। देखो अगर तुमने मुझ पर ये इल्जाम लगाया तो मैं तुम्हें इस घर से कदम भी बाहर न रखने दूंगा। तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? मैं जरूर जाऊंगी। तुम हरगिज नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। तुम कौन होते मुझे इजाजत देने वाले? मैं जरूर जाऊंगी। तुम नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। तुम नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, तुम नहीं जा सकती। सबर गया बाहर में राय साहब। देखिए ना अभी दो महीने भी नहीं हुए और ये है कि घर जाना चाहती है। कहिए ये बेवकूफी नहीं तो क्या है? तुमने मुझे रोक लिया वरना मैं तो पहले ही महीने चली जाती। ये तो मैं आज ही सुन रहा हूँ। बाल बच्चा होने वाला है, दूसरा महीना है, दूसरा। इस तरह रोया नहीं करते बेटी, मैं अरुण को समझा बुझा दूंगी। अगर बहुत जी चाहे तो एक महीने के लिए चली जाना। रोते नहीं, मैं कब रो रही हूँ, आप सब जाइए यहाँ से। बेटा तुम अभी बच्चे हो, औरत का दिल इस तरह नहीं दुखाया करते। और फिर इन दिनों तो हर औरत अपनी माँ के पास जाना चाहती है। भेज दो एक महीने के लिए। आप जाने और आपकी मर्जी, भेजना हो तो बेशक भेज दीजिए, लेकिन मैं इस बात पर राजी नहीं। देखो बेटा जिद मत करो, जाओ जाओ। नहीं 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 राय साहब, ये झगड़ा मनाने के हद से आगे गुजर गया है। तुम भी हद से आगे। राय साहब देखिए इन बातों से कुछ नहीं होने वाला, दरवाजा खोल दीजिए। देखो नद्दू खबरदार जो दरवाजा खोला। दरवाजा बंद कर लो, गुड नाइट। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। वो रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। है भूल कोई दिल की आंखों की या खता है, कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है। है भूल कोई दिल की आंखों की या खता है, कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है, फिर क्यों कोई खफा है। मंजूर है वो मुझको जो कुछ भी तू सजा दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। दिल पे किसी को अपनी काबू नहीं रहा है, ये राज मेरे दिल के आंखों ने ही कहा है। दिल
आसमां के दम भर जमी पे आ जा। भूला हुआ है राही तू रास्ता दिखा जा, तू रास्ता दिखा जा। भटकी हुई है नैया साहिल किसे दिखा दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। के साथ साथ मेरे का खत भी गायब है। ये जरूर उस कमीने जॉन की करतूत है, कहीं कमबख्त मेरी बच्ची को किसी मुसीबत में न डाल दे। देखो हमें मेरे के पास चलना चाहिए, तुम सफर की तैयारी करो, मैं पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाऊं। अरुण बेटा जी आइए। आज हम अपनी बहू की रीत मना रहे हैं, शाम को तुम भी खाने पर आना। लेकिन ये रीत क्या होती? कितने भोले बनते हो, तुम्हारे यहाँ बेटा जो होने वाला है। ओ, तो उस खुशी में, लेकिन देखिए ये तो पुरानी बातें हैं, आजकल ऐसी रस्मों को कौन पूछता है। चलो ये औरतों की बातें हैं, तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए। अच्छा अगर वो जाने के लिए तैयार है तो ले जाइए, लेकिन बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। अरे दोष की क्या बात है। बेटी बेटी आज शाम को 7 बजे हम तुम्हारी रीत मना रहे हैं, तुम 5 बजे हमारे घर चली आना। लेकिन वो क्या कहते हैं? अरे अरुण बेचारा क्या कहेगा, उसने तो सब तुम्हारे पर छोड़ दिया है। अच्छा तो मैं आ जाऊंगी। अच्छा तो आते वक्त अरुण को साथ दे आना। अच्छा बेटा मैं चली। ये रीत किस चिड़िया का नाम है? दरअसल रीत एक त्योहार का नाम है, औरतों का त्योहार होता है। जैसे कि उस दिन जन्मदिन की खुशी मनाई गई थी, उससे जरा बड़ी पार्टी होगी। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन वचन दे चुकी हूँ आज जो कुछ भी वो करेंगे चुपके से सह लूंगी। क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे दोनों आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो रात को उनके सोने का भी ऊपर इंतजाम करवा देना। अच्छा सुनो जी। क्या है जी? कुछ नहीं जी।
के झूले पे बैठी सुहागन अंगना में छुप छुप के देखे सांवरिया आई रे गिर गिर पले पले बादलिया आई रे गिर गिर पले पले बादलिया आज सखी छुपी छुपी क्यों है नजरिया आई रे देखो बेटा बिटिया से ऐसा वैसा मजाक न करना कहे देता हूं चोर का भेष बदलकर यहां से भागना चाहता था लेकिन मामला जमा नहीं मिस मेरी देखो यह हमारा आखिरी इम्तिहान है कुछ देर के लिए फर्ज कर लो कि हम दोनों अजनबी मुसाफिर हैं दिल्ली से गाड़ी में सवार हुए हैं और बंबई पहुंचना है रात का वक्त
तुम उस चारपाई को रेल की सीट समझकर सो जाओ और कुछ नहीं कहना, बस सुबह तक की बात। सुबह तक क्यों, जाना है तो अभी चले जाओ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम कहाँ जाओगे। तुम तो जानती हो, लेकिन मैं किस रास्ते से जाऊँ। मेरी जाने भला, जहाँ से जा सकते हो जाओ, लेकिन जाओ जरूर। लेकिन बाहर जाने का और कोई रास्ता भी तो नहीं। हाँ, अलबत्ता यहाँ से कूदा जा सकता है, लेकिन ऊंचाई बहुत है। और फिर तुम ये कैसे चाहोगी कि मैं यहाँ से कूद पड़ूं? मैं तुम्हें एक और रास्ता दिखाती हूँ, आओ। सीता, सीता, आती हूँ दीदी। अरे अरुण भाग गया और वो भी कूद कर। हाय राम, इतना चंचल लड़का है। तू रोने ही मेरी बच्ची, तेरे घर चली जाए। मगर ये तो बताओ हुआ क्या था? कुछ नहीं, पहले आप मुझे जल्दी से घर भेज दीजिए। अच्छा, अगर तुम जाना ही चाहती हो तो चल आओ। ओ नगतारायण, ओ नगतों, गुरुजी, गुरु भी आया, नगतों, खोलता हूँ गुरु, खोलता हूँ। क्या बात है गुरु, आप अकेले ही आ गए? जरूर जिंदा वापस आ गए हो। तो मरते मरते जान बची है। मरे आपके दुश्मन गुरु, आखिर बात क्या है? अब क्या बताऊं तुम्हें, तुम्हारी बीवी जी तो कल जा रही है। चलो रोज रोज की मुसीबत से छुटकारा हो। गुरु, इस तरह हार मानना मर्दों का काम नहीं है, हम बीवी जी को नहीं जाने देंगे। लेकिन अब उसे रोकने वाला ही कौन है? और तो और बुड्ढे बुड्ढी ने भी उसे जाने की इजाजत दे दी। अब बात हाथ से निकल चुकी। मगर हाथ से निकल कर जाएगी कहाँ गुरु? गुरु मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, आप भागा कीजिए, उस पर अमल करें। कौन सा रास्ता? वो खास रास्ता नहीं है, एक छोटी सी पगडंडी है गुरु। आप ऐसे कीजिए कि आज रात को एक जोरदार जुल्लाब ले डालिए और सुबह मैं बीबी जी से कहूँगा कि साहब को हैजा हो गया है, डर के मारे अव्वल तो वो जाएंगी नहीं, और अगर फिर भी उन्होंने अपना इरादा ना बदला तो गुरु राय साहब और राय साहब ने उन्हें हरगिज़ नहीं जाने देंगे। ख्याल तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे एक और अच्छा तरीका सोचा हो गया गुरु। बस मैं टांग खींचने का बहाना कर लूँ। ये टांग बीच में कहाँ से आ गई? खबर करो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। मर गया। गंगा तुम जाओ। मुझसे भूल हो गई। अब तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, ना जाने किस जन्म के अच्छे कर्म किए थे जो सिर्फ टांग ही टूटी है, कहीं सर के बल गिरता तो दुनिया से रुखसत हो गया हूँ। भूल चुक हो ही जाती है, ये तो मेरी अच्छी किस्मत थी जो तुम्हें जान बची। ये क्या मजाक है, तुम यहाँ से जाओगी या मैं चला जाऊँ? नहीं नहीं ऐसा ना कहो, कह जो दिया कि गलती मेरी थी। तो तुम यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? घबराओ नहीं गुरु, बीबी जी संभाल लेंगे, संभाल लीजिए। गुरु अंदर कैसा है? पहले से बहुत कम है, काफी आराम महसूस। मैं तो पहले ही जानता था कि जो ही बीबी जी ने हाथ लगाया आपका दर्द गायब होना शुरू हो जाएगा। कई हाथ ही बड़े करामात वाले होते हैं गुरु। गुरु अब आप सो जाइए, बाकी का दर्द भी जाता है। ठीक कहते हो, लेकिन नींद कहाँ है? कोई बात नहीं, मैं लोरी गाता हूँ, फौरन नींद आ जाएगी। सो जा राजकुमारी, सो जा।
हो जा बलहारी। इस लोरी से तो आने वाली नींद भी लौट जाएगी। लोरी तो कोई खास बुरी नहीं है। मैं आपका मतलब समझ गया गुरु। आप चाहते हैं कि बीवी जी आपको लोरी सुनाए। हाँ भाई, कई आवाजें बड़ी खराब आत वाली होती हैं। अभी जी आप इनको लोरी सुनाइए। जब तक आप नहीं गाएंगे इनको नींद नहीं आएगी। अदा हुआ होगा। बक्से क्या हो और रसीद जो है मेरे पास, दिखाओ। दिखाओ। जरा फिर मैं भी तुम्हारे साथ आता हूं। ये क्या है? दिखाओ, ये मेरे हाथ की रसीद नहीं हो सकती। फूक फूक, वरना मैं तेरा दम निकाल दूंगा। फूक, तुम कौन होते हो? जमीन से बात करो, ये मेरे पति हैं। What? He's your husband? No, 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 impossible.
तुम मुझे छोड़कर एक हिंदू से शादी नहीं कर सकती। महाराज महाराज देखा आपने, ये लड़की ईसाई है। ईसाई? राम 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 राम, मैं तो इसके खुद को ईसाई समझा था। अब समझा, झूठ मूठ के पति पत्नी बनकर यहाँ नौटंकी खेली जा रही है। चलो मैं राय साहब को कहकर इन दोनों को नौकरी से निकलवा दूंगा। मिस्टर अरुण पिए, आई गिव यू लास्ट चांस, आखिरी मौका। या तो सीधी तरह से मेरी को मेरे हवाले कर दो, वरना दगाबाजी के इल्जाम में तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। नो मोर फ्रॉड। तो मुझे जेल भिजवाओगे? यस, मिस्टर जॉन विल नेवर से झूठ। तो क्या मैं तुम्हारा पति हूँ? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। अरे ये क्या कर रहे हो? अच्छा तो कल रात से ढोंगी खेला जा रहा था। तो इतने दिनों से जो खेल तुम खेल रही हो वो ढोंग नहीं है? लेकिन दगाबाजी की भी हद होती है। नफ्तहू तुम्हारी टांग की इलाज के लिए मुझसे 10 रुपए भी ले गया। अच्छा तो वो तुम पर भी हाथ साफ कर गया? खैर जाने दो, अपना ही याद है। अच्छा ये बताओ, अब राय साहब जॉन के साथ आते हैं, उनको क्या जवाब देना? आज सबको साफ साफ बता देंगे, ज्यादा से ज्यादा नौकरी ही चली जाएगी ना, और क्या होगा। देखिए मैं बाइबल की कसम खा के कहता हूँ कि वो लड़की ईसाई है, उसका नाम मेरी है, मेरी दिसूदा, और वो लड़का हिंदू है, वो मियां बीवी नहीं है। लेकिन मुझे कैसे यकीन आए, कोई सबूत है? देखिए मैं आपको वो खत दिखाता हूँ जो मेरी ने अपने बाप को लिखा था। है? ये लॉकेट तुम्हारे हाथ कहाँ से लगा? ये लॉकेट मेरा है। नो नो, सच सच बताओ ये तुम्हें कहाँ से मिला? मिस्टर इनफैक्ट ये लॉकेट मेरे के घर वालों का है, इसे उन्होंने मुझे कर्ज के बदले में दिया है। राइट, तुम यहाँ चुपके से बैठे रहो। चंद्रगुप्त हाल जा, जरा भाई साहब का ख्याल रखना। मगर ओ चाची चाची चाची, क्या ये हमारी लक्ष्मी का लॉकेट है? ये तो हमारी लक्ष्मी का है, मगर यहाँ कैसे आया? एक आदमी बम्बई से लेकर आया, कहता है हमारी मास्टरनी के घर वालों का है, उन्होंने उसे कर्ज के बदले में दिया। अरे है तो अपनी बच्ची का। अरे हाँ, अपनी स्कूल मास्टरनी की शक्ल भी तो हमारी लक्ष्मी के साथ बिल्कुल मिलती है। लेकिन चाची वो तो कहता है कि वो लोग ईसाई हैं। हो सकता है उनके घर में पली हो। राइट, ये भी हो सकता है। जाओ तो अपने चाचा जी को बुलाओ, हम जाकर पता लगाएंगे। चाचा जी, ओ चाचा जी। बेटी बेटी, हाँ हाँ ये हमारे साथ आया, हम जानना चाहते हैं तुम दरअसल कौन हो। और क्या जानना चाहते हैं आप? मैं पहले ही आपसे कह चुकी हूँ कि मेरा नाम मिस मेरी है, मैं एक ईसाई लड़की हूँ, मेरी शादी अभी नहीं हुई और अब मैं उनसे शादी कर रही हूँ। गुड गॉड, देखा देखा आपने, इस लड़की की सगाई मुझसे ठहराई गई है और शादी उस चपर झुनझुन से कर रही है, ये कहाँ का इंसाफ है? दिस इज नॉट जस्टिस। आप जरा इधर देखिए, क्या ये लॉकेट आपका है? हाँ ये लॉकेट हमारा है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? यही हजरत लेकर आए, कहते हैं आपके घर वालों ने इसे कर्ज के बदले में दिया। ये झूठ बकता है, जरूर इसने चुराया होगा। मैंने चुराया है तो क्या मैं चोर हूँ? हो सकता है, फर्ज किया कि तुमने जो कुछ भी कहा है वो झूठ साबित हो और जो कुछ इन्होंने कहा है वो सच निकले, तो फिर तुम्हारी क्या सजा? अगर ऐसी बात हुई तो मेरी का सैंडल और मेरा सर। राइट, क्या आप बता सकती हैं कि ये लॉकेट आप अपने बचपन में पहनती थी? नहीं। तो फिर ये आपके घर में कहाँ से आया? ये सब मैं नहीं जानती, मैं तो इतना जानती हूँ कि लॉकेट बहुत दिनों से हमारे घर में है। आपके माँ बाप जिंदा है? हाँ। उनकी उम्र क्या है? पापा की उम्र 60 साल और मम्मी की 50 के लगभग। गलत सर, ये बिल्कुल गलत है, उनकी उम्र 50-60 से ज्यादा है। आपके कोई भाई बहन है? नहीं, मैं उनकी अकलौती लड़की। राइट, न कोई भाई न कोई बहन, माँ बाप सु वो बूढ़े, इन बातों से ये नतीजा क्यों ना निकाला जाए कि आप उनकी गोदली हुई लड़की है। हाँ हाँ, अब नुक्ता मिला। नुक्ता उक्ता कुछ नहीं, आखिर ये तेरे मेरे सवाल पूछने से आपका मतलब क्या है? शांति से शांति से, बिगड़ने की कोई जरूरत नहीं। आपकी बातों से इतना तो पता चल गया कि आप अपने माँ बाप की असली बेटी नहीं। 16 आने में 18 भर सबूत तो मिल गया, बाकी एक 18 अभी पर्दे में है। जरा अपना दायां पांव तो दिखाइए, हो सकता है वहाँ कोई तिलविल का निशान हो। इस तरह बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? आप चाहे तो हम यहाँ नौकरी करेंगे, वरना हम अपने घर चले जाएंगे। हमें इस तरह दलील करने का आपको कोई हक नहीं। जाओ बुला लो, हम फौरन यहाँ से चले जाएंगे। अरे बेटी जरा सबर से काम लो, तुम्हें नौकरी छोड़ने को कौन कहता? सर सर, ये आप क्या जुल्म कर रहे हैं? आप जैसे जेंटलमैन को तो इंसाफ करना चाहिए। ये लड़की मेरी होने वाली बीवी है, प्लीज सेंड हर विद मी, कम कम माय लड़की। देखो पिलफ्री, तुम नहीं जानते ये लड़की कौन है,
अगर बदतमीजी से काम लिया, जूता देखा है ना मेरा? चाचा जी, आप अपना जूता क्यों खराब करते हैं? इसके सर के लिए तो मैडम का जूता काफी है। मेरे ख्याल में इन दोनों का आपस में जरूर कुछ मामला है, खुद फैसला कर लें दीजिए। यस यस, यही तो मैं भी चाहता हूँ। चलो चलो मेरी, कम कम प्लीज। अरे हट शैतान। बेटी सबर से, सबर। चाचा जी, आप तो किए किराए पर पानी फेर रहे हैं। ए मिस्टर, तुम आपस में मामला साफ कर लो, हमें कोई एतराज नहीं। थैंक यू, यही तो मैं भी चाहता हूँ। कम ऑन मेरी। मैं कहती हूँ दफा हो जाए यहाँ से। ऑल राइट, चलो मेरी, हम दोनों यहाँ से दफा हो जाए। कमीने, मैं अपने जूते से तेरी बरामद किए देती हूँ। अब मुझे ये भी मंजूर है, तुम मेरे साथ चलो डार्लिंग। ओह यू शट अप। मिल गया। ये तो हमारी लक्ष्मी है, हमारी लक्ष्मी। मेरी लाडली, महात्मा ने मेरी सुन ली। मेरी ये मेरी लक्ष्मी है, तुम्हारी बेटी है। ऐसा लगता है आपकी बेटी है। तुम नहीं जानती मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। कितनी अच्छी है मेरी दीदी। क्या मुसीबत है, ये सब क्या मुसीबत है। माय डार्लिंग, ओह माय गॉड। अब गॉड क्या करेगा, सीटी बजी और गाड़ी चली गई। अब तुम सब बदमाश हो, मुझे उल्लू बना रहे हो। मैं तुम सबकी पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगा। हाँ राजू जी, चाचा जी, ये परले दर्जे का बदमाश है, इसे बांधकर उल्टा लटका दो। बहुत अच्छा। चंद्रगुप्त, इस प्रेमी पुरुष को पुलिस स्टेशन ले जाओ। यार मुझे पुलिस स्टेशन मत ले जाइए, मत। मैं हूं फादर, फादर प्लीज सेव मी, मुझे बताइए। ये सब लोग मुझे चोर समझ रहे हैं। ये चोर नहीं बल्कि डाकू है, डाकू। इसे फौरन पुलिस स्टेशन ले जाओ। ओह फादर, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आप जरूर मेरी के माता पिता हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए, वो लोग आप ही का इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। चंद्रगुप्त, आज का दिन नेहत मुबारक है, मेरी के नकली माँ बाप का पता भी चल गया। ये क्या, ले चलो इसे पुलिस थाने, ले चलो। पापा, मम्मी, मेरी मेरी बच्ची। पापा देखो, पापा ये कहते हैं मैं इनकी लड़की हूँ, इन्हें समझाओ ना पापा। हाँ मेरी बच्ची, ये सच है कि तुम हमारी बेटी नहीं। 16 वर्ष पहले तुम हमें नासिक में मिली। हमने बहुत कोशिश और तलाश की कि तुम्हारे असली माँ बाप का पता चल जाए, लेकिन कुछ कामयाबी ना। और फिर ये सोचकर कि शायद मेहरबान यीशु मसीह ने हमारे वीरान घर को आबाद करने के लिए नन्ना सा तोहफा दिया है, हमने तुम्हें पालना शुरू कर दिया। बेटी, तुमने हमारे यहाँ जन्म नहीं लिया। अगर औलाद की यही कसौटी है तो फिर तुम इन्हीं की बेटी हो। मेरी बेटी सीता, मैंने कहा था ना कि नई महाराष्ट्रानी हूँ, बहुत तुम्हारी बहन जैसी है। मेरी बात सच निकली ना? सीता, मुझसे बात न करो, कितनी अच्छी है मेरी छोटी सी बहन, मेरी प्यारी बहन, मेरी गुड़िया बहन, मेरी रानी बहन। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। कल तक तो दोनों में महाभारत हो रहा था, आज इतना प्यार हो गया। चाचा जी, मैं बड़ी हिफाजत से जॉन को पुलिस के हवाले कराया। शाबाश शाबाश, ये है राजू, मेरे एक दोस्त का लड़का, बचपन से ही हमारे घर में रहता है, हिंदुस्तान का 10 नंबरिया जासूस। थैंक यू चाचा जी। और लक्ष्मी को ढूंढ निकालने का सिरा भी इसी के सर पर है। मैं इसकी लियाकत के सिले में अपनी सीता का हाथ इसके हाथ में लेता हूँ। मिलियन थैंक्स चाचा जी। और भी है तुम्हारे लिए लक्ष्मी। और मेरे लिए लाइए। देखो आज से नगदों वक्तों बंद। ओ अच्छी बात है, चल भाई नगदों तेरी छुट्टी है। अरे कहाँ चले जा रहा हूँ ये बनवास, और कहाँ जाना है, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। आप भी जाइए, आपको भी छुट्टी है। हाँ मगर ठहरिए ठहरिए, थोड़ा नगदों।